नमस्कार जय भारत जय हिंद आज 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिन और आज के इस शुभ पर्व, पर्व पर मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा की ओर से आप सभी को इस पर्व की अनेक अनेक शुभेच्छाएँ शुभकामनाएं देता हूँ आज का दिन हम प्रत्येक भारतवासी के लिए एक विशेष महत्व रखता है और इसे हमें अपने जीवन में विशेष रूप से मनाना ही चाहिए जैसे हम हमारे धार्मिक त्यौहार मनाते हैं हमारे निज परिवार के उत्सव मनाते हैं हमारे जन्मदिन या अन्य कोई प्रसंग जो मनाते हैं वैसे ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन ये दोनों त्यौहार के रूप में ही हम सब भारतवासियों को अपने परिवार के साथ अपने गांव शहर अपने देशवासियों को साथ मनाना ही चाहिए ये हमारी फर्ज है यह हमारा धर्म है यह हमारा कर्म है स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही सुंदर बात कही जब उनसे कोई पूछता था कि स्वामी जी हम कैसे आपकी सेवा करें कैसे हम इस देश की सेवा करें तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही भारत को प्रेम करो बस सिर्फ भारत को प्रेम करो उसी से सब हो जाएगा क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण है जहाँ समर्पण है वहाँ संकल्प है जहाँ संकल्प है वहाँ सेवा है जहाँ सेवा है वहाँ आत्मसमर्पण है और जहाँ आत्मसमर्पण है वहाँ सब कुछ आ ही जाता है तो इसलिए हम सिर्फ अपने देश को प्रेम करेंगे तो भी इस देश की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी लेकिन ये सिर्फ बातें ही हो ऐसी नहीं पूछ हम हृदय से जैसे स्वामी विवेकानंद उनको पूछा गया कि आप विलायत में रहने के बाद स्वदेश विदेश में रहने के बाद अभी भारत में आ रहे तो अभी आप वहाँ की आपने जहाज जनलिता देखी है अभी आपके लिए भारत क्या महत्व रखता है तो उन्होंने कहा था पहले भारत मेरे लिए महान था लेकिन आज भारत के कण कण मेरे लिए पवित्र है मेरी मातृभूमि मेरे लिए महान है मेरे लिए पवित्र है उन्होंने भारत में पांव रखते ही सबसे पहले अपनी भारत माना को नतमस्तक करके प्रणाम वंदन किया तो आज इस पर्व को हमें एक विशेष रूप से मनाना चाहिए और इसी के प्रयास के रूप में आज हमने इस विशेष वार्तालाप का आयोजन किया है और हमें बहुत ही आनंद है खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो व्यक्तित्व उपस्थित है उन्होंने अपना जीवन मां भारती के लिए उत्सर्ग किया है और उसके साथ साथ वो हर हमेश अनेक लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं अनेक लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हैं और सदा दूसरों के मदद के लिए तत्पर रहते हैं ऐसी एक हस्ती आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल है आदरणीय श्री दीपक मेघानी साहब। डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन वन वडोदरा सिटी उनके बारे में बताऊं तो आदरणीय श्री दीपक मेघानी साहब यूपीएससी द्वारा आयोजित लोक सेवा परीक्षा 2009 उत्तीर्ण करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थान मसूरी में अपना प्रोफेशनल कोर्स किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में बेसिक प्रोफेशनल कोर्स किया और उन्हें गुजरात केडर आवंटित किया गया आईपीएस में शामिल होने से पहले वह स्पीपा सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान अहमदाबाद और कुछ अन्य प्राइवेट संस्थानों में सामान्य अध्ययन लोक प्रशासन इतिहास भूगोल अंग्रेजी की कोचिंग के लिए एक संकाय सदस्य थे आईपीएस में शामिल होने से पहले उन्होंने कई राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया था हालांकि उन्होंने भौतिकी में स्नातक की पढ़ाई की है लेकिन उन्हें साहित्य और मानवी की पढ़ने का भी शौक है उनका काव्य संग्रह तितिक्षा 2017 में प्रकाशित हुआ था पढ़ने और लिखने के अलावा दौड़ना सिनेमा लोन टेनिस उनकी अन्य रुचियां हैं वर्तमान में वह पुलिस उपायुक्त जोन वन वडोदरा सिटी के पद पर तैनात है वे समय समय पर द दीपक मेघानी डॉट वर्ल्ड प्लेस डॉट कॉम पर परिप्रेक्ष्य व्यू चक्रव्यू सिल्यूटेड स्पेस जैसे ब्लॉग भी लिखते हैं उनके जीवन और चरित्र को ढालने वाले कई व्यक्तियों में स्वामी विवेकानंद का नाम प्रमुख है वह अपने विद्यालय के दिनों से ही स्वामी विवेकानंद संबंधित साहित्य पढ़ रहे हैं और वे वेदांत दर्शन के समर्थक हैं ये तो उनका परिचय हुआ पर रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा के साथ उनका आत्मीय संबंध है जब भी हमारा कोई भी कार्यक्रम हो जब भी हमें उनकी जब भी जरूरत हो तो वो सदा तत्पर रहते हैं मैं सब प्रकार की सहायता देने के लिए पिछले साल कोरोना काल में जब हम राहत कार्य कर रहे थे तब उनकी सहायता से और पुलिस विभाग की सहायता से हमने काफ़ी राहत कार्य किया जिन जिनों में उन्हें हमें बहुत सहायता दी और उसी के कारण हमारा राहत कार्य सुसम्पन्न सुचारू रूप से शिस्तबद्ध तरीके से संपन्न हुआ था इसलिए हम पुलिस डिपार्टमेंट का और उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं यहाँ पर तो ऐसे श्री दीपक मेघानी साहब आज हमारे बीच में उपस्थित है और आज विशेषकर युवाओं को संबोधित करने वाले हैं पर स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से युवा कौन है तो युवा वो है जो सदा तत्पर रहता है कुछ सीखने के लिए कुछ करने के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उम्र उसकी कोई बंधन नहीं है उसमें उसमें जोश हो उसमें जो करने का एक इच्छा हो वही युवा है तो ऐसे युवाओं को आज वो संबोधित करने वाले हैं और आज का विषय भी है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड यूथ ऑफ इंडिया इस विषय पर वो जो उनके अनुभव है और जो उनको एक मेहनत से कहे या एक उनकी उन्होंने जो संघर्ष किया है उससे जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उन्हीं के माध्यम से वो हमको मार्गदर्शन करने वाले हैं तो इसे मेघवानी साहब का मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा की ओर से स्वागत करता हूँ उनसे निवेदन करता हूँ कि आज के विषय पर वो युवाओं का मार्गदर्शन करें श्री दीपक मेघानी साहब रामकृष्ण मिशन के गुरुगण साथीगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों आत्मविश्वास और भारत के युवा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड यूथ ऑफ इंडिया इस विषय पर मैं कुछ बातें आपसे करूंगा आत्मविश्वास क्या है इसके बारे में चर्चा करने से पहले हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि आत्मविश्वास क्या नहीं है आमतौर पर हम ऐसा मानते हैं कि उस व्यक्ति में ज़्यादा आत्मविश्वास है जो अच्छी वक्तृत्व क्षमता रखता हो जो अच्छे कपड़े पहनता हो जिसकी हेयरस्टाइल अच्छी हो जिसके चश्मे की फ्रेम अच्छी हो जिसके जूते अच्छे हों जिसका वर्ण गोरा हो जिसके पास बड़ी कार हो धन दौलत हो या थोड़ी डिग्रीज ज़्यादा हो, जिसके पास या जिसकी कोई पहचान हो जिसका कोई पद हो जिसका कोई उहदा हो जिसकी ऊंचाई हो कद काठी ज़्यादा अच्छी हो आमतौर पर हम ऐसा मानते हैं कि ये आत्मविश्वास के पहलू हैं अगर आपके पास अच्छा शरीर है तो ये कुदरत की देन है इसके लिए आपको धन्यवाद प्रकट करना चाहिए लेकिन इसका अभिमान नहीं होना चाहिए ये आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं है आत्मविश्वास की ये जो मूल आवश्यकता अच्छा गदकाठी नहीं है अच्छा गदकाठी है अच्छी बात है कोई पद मिल जाता है अच्छी बात है अच्छे वस्त्र हैं अच्छी बात है पहचान है अच्छी बात है लेकिन ये सामाजिक तौर पर कुछ स्वीकृति देता है ये आत्मविश्वास की अपरिहार्य शर्तें नहीं है आत्मविश्वास इससे कहीं गुना ज्यादा है कुछ और ही है कुछ अलग ही बात है कई लोग लिखते हैं स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट अंग्रेजी से व्यक्तित्व विकास का क्या मतलब हो सकता है आप अगर आप अंग्रेजों के गुलाम होते ही नहीं तो अंग्रेजी होती ही नहीं और आप किसी अंग्रेज देश में जाओ तो वहाँ का जो कोई पागल भी होगा पागलखाने में वो भी अंग्रेजी बोलता होगा तो पागलखाने में जो बैठा हुआ अंग्रेज व्यक्ति है तो उसका आत्मविश्वास ज़्यादा हो गया क्या या उसका व्यक्तित्व तो विकास ज़्यादा हो गया नहीं ये नहीं है हाँ भाषा पर प्रभुत्व तो है अच्छी बात है आप किसी भाषा में अपने विचार अच्छे रूप से प्रकट कर सकते हैं अच्छी बात है आपको सही शब्द मिल जाते हैं अच्छी बात है लेकिन यही आत्मविश्वास नहीं है ये मूल बातें हमें समझ लेनी चाहिए सबसे पहले मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा आमतौर पर जो लोग बात करते हैं आत्मविश्वास क्या है लोग बोलते हैं ऐसा करो ये करो ऐसे पहनो ऐसे चलो ऐसे देखो या इस तरह के चश्मे की फ्रेम पहनो इस तरह के जूते पहनो ये करो वो करो वो आत्मविश्वास नहीं है वो है आपका एक आपका एक परसेप्शन बनाता है वो और थोड़ी बहुत स्वीकृति देता है आपको आप किसी व्यक्ति को ले आओ उसको अच्छे वस्त्र दो उसको अच्छा ज्ञान भी दो अच्छी शिक्षा भी दो वो दिखने में भी सही है पद भी उसको मिल जाए लेकिन उसके चरित्र का क्या जो उसका कैरेक्टर है उसका क्या वो एज अ मैन या एज अ वुमन उसका सब्सटेंस क्या वो तो नहीं है ना वो तो नहीं है तालीम तो आप किसी को भी दे सकते हो तो जो सतही बात है वो सतही बात से ज्यादा कहीं कुछ भीतरी बात है उसके बारे में मैं बात कहूंगा अब मुद्दा है आत्मविश्वास क्या है आत्मविश्वास मान लो ऐसा है जंग जंगल में शेर होता है और शेर जहाँ रहता है वहाँ पे लिखा होता है क्या कि यहाँ पे शेर रहता है संभल के चलो या दोपहर के वक्त शेर का ये लंच टाइम है दो से तीन कृपया इस वक्त आप यहाँ पे आवाज़ ना करें शोर ना मचाएं ऐसा लिखा होता है क्या शेर शेर होता है सबको पता होता है या शेर जाता है तो घोषणा करता है कि हम आ रहे हैं चलो हट जाओ यहाँ से इधर उधर हो जाओ हम आ रहे हैं इसकी इसके बारे में सोचा जाए हम आ रहे हैं हमारा सम्मान रखा जाए जा नहीं ऐसा नहीं कहता शेर होता है शेर है शेर होता है शेर को दहाड़ कर अपना परिचय देना नहीं होता नहीं शेर दहाड़ता है किसी और वजह से शेर हर गली नुक्कड़ पे जाके दहाड़े किसी खरगोश के सामने भी जाके दहाड़े किसी लोमड़ी के सामने भी जाके दहाड़े किसी हिरण के सामने भी जाके दहाड़े तो उस दहाड़ का कोई मायने नहीं रखता तो आत्मविश्वास ये एक ऐसी चीज़ है कि आत्मविश्वास चिल्लाता नहीं है आत्मविश्वास चीखता नहीं है आत्मविश्वास होता है आत्मविश्वास धीमी आंच में जलती हुई प्रतिभा है आत्मविश्वास धीरी सी आवाज़ में सच्चाई की आवाज है आत्मविश्वास ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो बहुत जबरदस्त हो ऐसा नहीं है आत्मविश्वास कपड़े भी नहीं है जैसा मैंने बताया अगर आत्मविश्वास कपड़े ही हो तो फिर कोई सन्यासी है उसका तो आत्मविश्वास ही नहीं है सन्यासी तो एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं और अगर आत्मविश्वास कपड़ों से ही होता हो तो महावीर का क्या महावीर के आत्मविश्वास को आप कहाँ गिनोगे तो आत्मविश्वास जो है वो हमारी हमारे खुद से पहचान है कोई कहता है कि आत्मविश्वास के लिए क्या करना चाहिए इस शब्द को समझें आत्मविश्वास आत्मविश्वास कब होगा हमारे अंतःकरण पर या हम हमें खुद पर विश्वास कब होगा जब हमें खुद को जाने हम पहचाने जब हमने थोड़ा उजाला देख लिया हो जब उस उसका स्वाद हमने थोड़ा ले लिया हो जब हमने महसूस किया है कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो अमर है जो अमृत है वो आध्यात्मिक रूप से आत्मविश्वास की उपस्थिति बताता है बाकी सब बातें व्यवहारिक है लेकिन आत्मविश्वास वहाँ से शुरू होता है जब हमें पता चले कि मेरे अंदर कुछ अमर्त्य है कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है कि जो ये शरीर है वही नहीं है कुछ ऐसा है कि जो ये मन है वही नहीं है कुछ ऐसा है कि जो ये अंतकरण है वही नहीं है इसके पार कुछ है वो है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास शुरू होता है आत्ममंथन से आत्ममंथन से शुरू होता है उससे ज़्यादा जाता है आत्मखनन तक विश्वास तो तभी आएगा जब आप खनन करोगे अपने आप में आप खुदाई करोगे करोगे मंथन से शुरू होता है आत्म खनन तक जाएगा आत्म खनन से आत्म खनन क्यों कर रहे हैं आत्म खोज के लिए आत्म खोज से फिर कहीं कहीं हमें कहीं टनल के एंड में हमें पता चलता है कि कहीं यहाँ से प्रकाश है या यहाँ से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है यहाँ से कुछ नाद सुनाई दे रहा है यहाँ पे कोई हो सकता है यहाँ पे मैं हूँ ये है वो आत्मविश्वास है रही बात युवाओं की युवा क्या है मैं बार बार ये प्रश्न को दोहराता हूं कि युवा कौन युवा कैसे युवा क्या है युवा के लक्षण क्या है युवा कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसकी स्पाइन मुड़ी हुई है युवा कोई ऐसा नहीं है कि एकदम बुझाया बुझाया हुआ कोई व्यक्ति बैठा है युवा ऐसा नहीं है कि जिसकी आंखों में कोई उत्साह नहीं है युवा ऐसा नहीं होता कि जो एकदम डरा हुआ सा कोने में बैठा हुआ है युवापन युवा होना एक हुंकार है नियति के साथ युवा होना एक सूक्ष्म विद्रोह है कि मैं समस्याओं को सुलझाऊंगा अपने तरीके से युवा होना एक स्वतंत्र विचारधारा है युवा होना किसी भी चुनौती का बिना भी बिना किसी परिणाम के सोचना है जटायु था जटायु ने सुना आवाज मासिता का जटायु की उम्र थी काफ़ी शारीरिक रूप से तो वो बहुत ज़्यादा उम्र के थे बोले ये तो आदमी का काम है ये तो कोई मनुष्य जाति का कोई चिल्ला रहा है चिल्लाने से आवाज से तो पता ही जाता है नहीं तो मनुष्य जाति का है मनुष्य जाति ने तो हमारे साथ क्या किया दुर्व्यवहार ही किया है पक्षियों के साथ पंछियों के साथ हम क्यों बचाए हमारा क्या लेने देना चलो ठीक है अभी बैठ जाओ अपने तो क्या अपने अपना काम करो ऐसा ऐसा नहीं सोचा शायद सोचा ही नहीं आत्मविश्वास सोचता ही नहीं है युवा सोचता नहीं है वो वो एक ये ये एक नैनो सेकंड में एक कौंध जाती है बिजली और उस तुरंत वो निर्णय लिया जाता है तुरंत वो उड़े तुरंत गए बलिदानी दी अपनी आहुति दे दी ये, ये, हुन, ये इसको मैं कहूंगा युवा ये युवा है स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवाओं को बहुत सारे मंत्र दिए हैं भारत के युवाओं के बारे में उन्होंने बहुत सारे विचार दिए हैं जिसके साथ चर्चा आपके साथ अलग अलग माध्यम से बार बार होती जाती है आज मैं भी थोड़ी कुछ बातें कहूँगा लेकिन स्वामी विवेकानंद ने यह कहा कि आप बाकी सब बातें छोड़ दो ज़्यादातर हम क्या करते हैं ईश्वर है या नहीं आप आस्तिक हो या नास्तिक हो और और तो और ये भी पूछा जाता है अगर ईश्वर है आप कौन से ईश्वर में मानते हो ये बड़े बड़े लोग पूछते हैं बड़े बड़े समझदार बुद्धिशाली बौद्धिक लोग भी ये प्रश्न पूछते हैं कि आप अगर मानते हो ईश्वर में तो आप कौन से ईश्वर में मानते हो तो उन्होंने कहा ये बात छोड़ दो पहले तो आप ये बात करो कि आपको अपने में भरोसा है आपने अपना आचमन किया आपने अपनी कोई लहर देखी आपका अपने साथ कोई परिचय है अपने साथ कोई व्यवहार है पहले आप उसकी बात करो आत्मविश्वास से ही अस्तिक्वता का उदय होता है वो आत्मविश्वासी क्या या वो व्यक्ति ही क्या कि जिसको अपने बारे में थोड़ा भी पता ना हो अब ये थोड़ी बातें हो गई इसके बाद कोई प्रश्न आए किसी को तो किसी में आत्मविश्वास से पता कैसे चले जैसा कि मैंने बताया आत्मविश्वास घोषणा नहीं करता आत्मविश्वास के सिंह नहीं होते बड़े नाखून नहीं होते या आत्मविश्वास हो जाए तो किसी के बाहे जो परिवेश है पूरा चेंज हो जाए या कोई माला पहन ले तो आत्मविश्वास है ऐसा होता है क्या ऐसा नहीं होता लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें हैं एक तो अगर किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास है या आत्मविश्वास किसी में लाया जाए तो क्या किस बारे में सोचा जाए एक तो है एक इंटरनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए मनसा वाचा कर्मण हमारे जो कर्म हैं उसमें एक एक सूत्रता होनी चाहिए अभी बोला अभी फोक ऐसा नहीं होना चाहिए ये आपके जो बोल हैं आपके जो शब्द हैं उसकी एक अहमियत होती है आपके जो विचार है उसकी एक अहमियत होती है ऐसा बोलो जिसके बारे में विचारा हुआ है ऐसा सोचो ऐसा विचार करो कि जो आप उसका एग्जीक्यूशन उसका अमली उसका अमल बना सकते हो जिसका जिसके ऊपर कार्यान्वयन कर सकते हो तो मनसा वाचा कर्मणा इसमें एक सूत्रता होती है यहाँ अभी कुछ बोले बेपेंदी का लोटा जैसे होता है कहीं इधर कुछ बोले कहीं उधर कुछ गए ऐसा नहीं होता ये ये नहीं होता दूसरा अगर आप में आत्मविश्वास है या किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास है तो इससे स्पष्ट होता है कि उसमें जो द्वंद का प्रमाण है हम सब में द्वंद्व होता है हमारे अंदर दो जो होते हैं हमारे पहलू वो आपस में निरंतर एक चर्चा करते रहते हैं निरंतर युद्ध भी करते रहते हैं एक निरंतर युद्ध हमारे भीतर चलता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए हमें क्या कहीं नहीं करना चाहिए ये करूँगा तो ये होगा ये करूँगा तो वो होगा वो द्वंद्व का जो प्रमाण है वो बहुत ही कम होता है बहुत ही माइन्यूट होता है निर्द्वंद होते हैं वो वैचारिक स्पष्टता होती है कुछ हद तक कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे द्वंद्व तो हमेशा चलता रहता है जीवन में द्वंद्व तो जो है जब तक जिएंगे थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है वो अवस्था को पाने के लिए तो बहुत प्रयास करने पड़ेंगे और वो भी आ सकता है लेकिन अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा लेकिन आत्मविश्वास ही अगर कोई है तो उसमें होगा तीसरा आत्मविश्वास अगर किसी व्यक्ति में है तो उसमें पाखंड नहीं होगा कुछ लोग कहीं जाएंगे तो आसपास के लोगों की उपस्थिति से उनके आवाज में परिवर्तन आ जाएगा उनकी आंखों में परिवर्तन आ जाएगा उनके देखने के नजरिए में परिवर्तन आ जाएगा दिखावा होता है मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि मैं मेरे बारे में क्या सोच रहा हूं आत्मविश्वास पाखंड कभी नहीं हो सकता आत्मविश्वास पाखंडी का काम नहीं है शायद कोई पाखंडी आगे आ भी जाता है वो जी भी लेगा पृथ्वी के ही एक कोने में एक कार्यकाल में एक समय जो समय आकाश है एक कालखंड में वो छा भी जाएगा लेकिन जो अनंत है अनंत उसको देखेगा भी नहीं अनंत की क्षितिज पर उसकी कोई अहमियत नहीं होती उसकी कोई हैसियत नहीं होती वो आए गए ठीक है आया राम गया राम आत्मविश्वास सहज होता है नॉर्मली जो होता है जो सहज रूप से होता है जैसे कह कहा कि अगर आप पाखंडी नहीं हो तो आप सहज हो ही जाओगे आत्मविश्वास सरल होता है एक तो सरलता होती है किसी को दिखाने के लिए और एक सरलता होती है हमारे अनुभव से आती है हमारे जिंदगी इस बहुत बड़ा अनुभव है अनुभव से हम सीखते हैं तो एक ये मुद्दा हो गया फिर जिसमें आत्मविश्वास है वो निरंतर कुछ सीखने का प्रयास करते रहता है सीखने की भावना शिष्य शब्द जो है वही कहता है कुछ सीखा कुछ सीख सीखते रहे और इस शिष्य शब्द से ही आ, सीखने की शुरुआत होती है जो जिसमें सीखने की तत्परता हो जिसमें कुछ ग्रहण करने की तत्परता हो जो कुछ नया नया सीखे जो ऐसा ना सोचे मैं तो 40 साल का हो गया जो ऐसा ना सोचे मैं तो पचास साल का हो गया जो ऐसा ना सोचे मैं साठ साल का हो गया क्या हुआ ख़त्म होगी बात ये तो क्या है उसमें आत्मविश्वास नहीं है कहीं स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि वो किसी जहाज़ पे जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक सतानवे वर्ष का कोई व्यक्ति था वो चाइनीज़ भाषा सीख रहा था मैंने कहीं पढ़ा है और वो आश्चर्यचकित थे कि इतनी उम्र में आप ये चाइनीज सीख रहे आप तो मर जाओगे बोले अभी तो जी रहा हूँ अभी जीने की बात करो मरना मौत आएगी आएगी देखा जाएगा लेकिन हमारे यहाँ पे 50 साल का कोई हो गया अब ठीक है अब गिने चुने साल है ऐसा ऐसा करके 90 साल खींच लेते हैं लोग 50 साल से लेकर 90 साल तक कुछ नहीं किया बस हमेशा घोषणा करते रहे आज गया कल गया कुछ नहीं किया इसको इसको क्या कहेंगे आप सीखने की भावना तो होनी चाहिए जब तक जिए तब तक लड़े जब तक जिए तब तक सीखते रहे निरंतर सीखते रहो कि नहीं मैं क्या करूंगा मैं ये नया टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने से क्या करूंगा ऐसे बूढ़े बुजुर्ग में देखता हूं उनको सब कुछ आता है लेकिन उनको मोबाइल चलाना नहीं आता मोबाइल में बाकी सब लिंक खोल के देख लेते हैं लेकिन मोबाइल में बोलेंगे ऐसे मिस करना नहीं आता है क्योंकि मेरे को तो आता नहीं है मैं तो मैं क्या करूंगा तो ये भी एक है ऐसे लोग होते हैं आत्मविश्वास है लेकिन डर रहे हो तो आत्मविश्वास काहे का ये एक बात है आत्मविश्वास निर्भीक होता है निर्भयता से होता है आत्मविश्वास हाँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाहर कोई सांड घूम रहा है तो आप चले गए ठीक है अब हम निर्भीक हैं चलो सांड आ जाओ सिंह से पकड़ के घुमा के ऊपर फेंक देंगे आपको ये नहीं है ये थोड़ा जागती हो गई ये इसको आत्मविश्वास नहीं कह सकते इसको हम कह सकते हैं कि ये घमंड है ये अहंकार है या फिर अपनी शक्तियों का एहसास नहीं अपनी शक्तियों का सही एहसास और उस हिसाब से निर्भीकता निर्विकता सिर्फ शारीरिक प्रमाण से नहीं आती निर्भीकता कोई मसल से नहीं आता स्नायु बन गए अच्छी बात है आपने पचास साठ सौ किलो आपने ले लिया अच्छी बात है आप में क्षमता है निर्भीकता एक चरित्र की बात है निर्भीकता एक मन की बात है अंतकरण की बात है निर्भीकता अंदर से होती है और अगर आत्मविश्वास है किसी में तो वो बाह्य परिवेश बाहरी बातों से इतना प्रभावित नहीं होता सुनता है वो सुनो सबकी लेकिन करो मन की Inside out, आउट नॉट आउटसाइड इन ये कुल मूल छः बातें हैं ये छः बातों से हम तय कर सकते हैं कि व्यक्तित्व में आत्मविश्वास का स्तर कितना है जैसे नहीं हम बांध में तय करते हैं पानी का कितना स्तर है तो ऊपर ऊपर से देख के आप कह सकते हो कि ये ये इतना तो होना चाहिए ये है अगर इससे आपको थोड़ा बहुत पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ है आत्मविश्वास हो सकता है बढ़िया है एकदम सही है सीखने की क्षमता भी है सहज सरल स्वभाव भी है लेकिन छोटी छोटी बातों में डर जाता है आवाज़ नहीं निकलती जब निकलनी चाहिए तो मैं नहीं मानता उसमें आत्मविश्वास है कोई भी नहीं मानेगा और बार बार लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे ये ये पहनूँगा तो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में लोग देखते ही नहीं है लोग देखते ही नहीं है एक्चुअली लोग देखते ही नहीं है लोग अपने में पड़े हैं हर एक की अपनी अपनी समस्या है लेकिन हम बार बार लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आत्मविश्वास वाला व्यक्ति अपने हिसाब से सोचेगा अपने हिसाब से सोचेगा कि उसका अंतकरण क्या कहता है महात्मा गांधी अहिंसा में मानते थे जब चोरी-चोरा कांड हुआ तब महात्मा गांधी ने पूरी मूवमेंट को वापस लेने का निर्णय लिया तब के जो उनके साथी थे जो उनके साथीगण थे सब ने कहा कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं मोमेंट जारी रहनी चाहिए एक आध किसी किस्से की वजह से हम पूरी की पूरी मोमेंट को आज़ादी की मुहिम को वापस नहीं ले सकते लेकिन महात्मा गांधी ने अपने अंतकरण की आवाज़ सुनी उन्होंने अपनी तरह से निर्णय लिया कि नहीं मुझे नहीं लगता कि अभी हम परिपक्व हैं हम इतने तैयार हैं कि हम इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए हम इसके बारे में पुनर्विचार करेंगे लेकिन अभी के वक्त जो घटना हुई है वो घटना ठीक नहीं है मैं ये मूवमेंट वापस लेता हूँ तो जो अंदर से सोचता है इनसाइड आउट हो सकता है पूरी दुनिया आपके आसपास कुछ और कह रही हो और आपका मन कुछ और कह रहा हो और हो सकता है कि आपको लगता है कि शायद आप अपनी आवाज़ सुनोगे तो लोग नाराज़ भी होंगे लेकिन फिर भी वो जो धीमी आवाज़ जैसे मैंने शुरुआत में बताया वो धीमी आंच वो धीमी लॉ आपको बार बार पुकार रही है आप उसको निर्णय लेके रहो वक्त आएगा वक्त आएगा और आपको वो साबित करके देगा बताएगा कि आप सही थे काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं आप किसी भी व्यक्ति के जीवन की बातें देखें आप किसी भी व्यक्ति के चरित्र का अध्ययन करें किसी भी व्यक्ति के संघर्ष का अध्ययन करें तो आपको एक बात साफ दिखेगी कि कहीं न कहीं उसका किसी न किसी बात पर जोर शोर से विरोध हुआ उसका विरोध हुआ उसकी भर्सना की गई उसके बारे में टीका हुई उसके बारे में अलग अलग कमेंट्स पास की गई शायद हो सकता था कि उसके पूरे व्यक्तित्व पर प्रश्नार्थ चिन्ह उपस्थित किए गए थे उसके इरादों पर सवाल उठाए गए थे लेकिन क्या हुआ वो जूझते रहे वो लगे रहे वो कोशिश करते रहे वो विनम्रता से प्रयास करते रहे ये नेतृत्व है ये नेतृत्व के मेन लक्षण है नेतृत्व अगर है तो ये है अब ये सवाल है युवाओं को काफ़ी लोगों को एक प्रश्न होता है कि तो नेतृत्व लाया कैसे जाए नेतृत्व बनाया कैसे जाए नेतृत्व उत्पन्न कैसे किया जाए थोड़ी बातें समझ लें नेतृत्व और आत्मविश्वास ये एक दूसरे के समानार्थी भी कह सकते हैं नेतृत्व के बारे में फिर भी कुछ बातें भिन्न है मैं उसके बारे में बात नहीं कहूंगा अभी लेकिन आत्मविश्वास जो है वो आएगा तो नेतृत्व अपने आप आएगा आत्मविश्वास कैसे लाए आत्मविश्वास के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं कहूँगा कैसे लाया जाए एक तो मैंने बात की आत्मविश्वास है कैसे पता चले लेकिन लाए कैसे जाए एक मुद्दा क्या करना चाहिए किसी व्यक्ति को किसी युवा को किसी भी वृद्ध को किसी भी बालक को क्या करना चाहिए कि आत्मविश्वास उसमें आए मंथन करें मनन करे, करें चिंतन करें आप अपनी स्थिति के बारे में अपने बारे में अपने परिवार के बारे में समाज के बारे में राष्ट्र के बारे में विश्व के बारे में एक राय बनाए आप जो कुछ देख रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है आपका क्या अभिप्राय है आपका अपने बारे में क्या सुझाव है आपका अपने बारे में क्या विचार है एक राय बनाए और उसको और मजबूत बनाते जा अपने बारे में सोचना या अपने बारे में राय बनाना ये मंथन करना चिंतन करना मनन करना ये कोई एक वक्त की बात नहीं ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जैसे हम रोज स्नान करते हैं जैसे हम रोज हम भोजन लेते हैं जैसे हम क्षण क्षण अभी भी मैं मेरी सांस चल रही है आपकी भी सांस चल रही है मंथन चिंतन मनन ये निरंतर चलता रहता है इसकी चोट पर हम पूरे निर्णय लेते हैं कि हम अपना विकास करते हैं ये एक कार्य आपके अंदर सत्य निरंतर आपके अंदर चलना चाहिए हम क्या हैं हम शरीर भी हैं हम मन भी हैं हम अंतकरण भी हैं हम कैसे आगे आते हैं हमारे निर्माण में हमारी मेकिंग में समाज और परिवार का भी एक प्रदान होता है उसके बारे में सोचें और आप अगर मंथन करोगे चिंतन करोगे तो आपके आपका जो आचरण है उसके बारे में भी सोचोगे जैसे जैसे आप आचरण के बारे में सोचोगे आचरण क्या है तो आपको पता चलेगा आचरण तो सतही बात है मूल बात तो विचार है आप कैसे विचार करते हो आपके क्या विचार हैं विचार होगा तो उसका प्रतिफलन आपके आचरण में अपने आप आएगा हम ज़्यादातर क्या करते हैं हम आचरण को परिवर्तित करते हैं विचार को परिवर्तित नहीं करते लेकिन अब गहरे में देखोगे तो आचरण तो जो है वो ऊपर ऊपर की बात है आचरण तो अपने आप आता है आचरण निष्पत्ति है अपने विचारों की विचार कैसे बनते हैं विचार विचार ऐसे ही तो नहीं आते आप कहाँ विहार करते हो आप कैसे विहार करते हो आप क्या पढ़ते हो आप कहाँ जाते हो किससे मिलते हो किससे बातचीत करते हो कौन आपके साथी हैं कौन आपके संगी हैं तो ये इसके बारे में आप मंथन करिए इसके बारे में आप विचार करिए तो धीरे धीरे आपको अपनी पहचान होने लगेगी निरंतर प्रयास करते रहिए निरंतर सोचते रहिए यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण कहूँगा एक बार एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी ध्यान कर रहा था बूढ़ा सन्यासी था और नारद जी वहाँ से गए नारद जी वहाँ से गए तो नारद जी ने पूछा कि मैं तो जा रहा हूँ भगवान के पास ईश्वर के पास आप कुछ मांगोगे आप कुछ चाहोगे आपको कुछ चाहिए तो उस बूढ़े सन्यासी ने कहा कि काफ़ी वर्ष बीत गए तीस चालीस वर्ष हो गए ये पेड़ के नीचे दूनी दम, जमाए बैठा हूँ कुछ मिलता नहीं है कोई साक्षात्कार नहीं हो रहा कोई ईश्वर दिखते नहीं है कुछ मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा ऊपर से शरीर गलता जा रहा है मौत सामने है करीब है थोड़ा पूछिएगा ईश्वर से बातचीत हो तो कि मेरा मोक्ष कब होगा कब मेरा कल्याण होगा नारद जी ने कहा ठीक है मैं पूछूंगा और इस इस तरफ से वापस जाना हुआ तो बातचीत करेंगे इसके बारे में नारद जी थोड़ा और आगे गए और उन्होंने देखा कि एक युवा एक युवक वो भी पेड़ के नीचे बैठा था और वो भी धुनी जमाए बैठा था वो भी ध्यान कर रहा था नारद जी ने उसको पूछा कि मैं जा ही रहा हूँ उन्होंने तो पूछा है आप कुछ पूछोगे आपको कुछ चाहिए उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए नहीं नहीं आप फिर भी पूछ लो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं ठीक है मैं मज़े में मैं मज़े में हूं मैं सही हूं मैं कर रहा हूं अपना ध्यान कर रहा हूं मुझे ध्यान ही अपने आप में मज़ेदार है ठीक है नहीं नहीं फिर भी मैं पूछूंगा बोले वो आपकी मौज आप पूछना चाहते हैं आप अपनी तरह से पूछ सकते हैं मुझे कोई पड़ी नहीं इसकी गए थोड़े महीने बीत गए महीने के बाद वापस तो उनका आना जाना हुआ तो उस बूढ़े सन्यासी को उन्होंने बताया कि इस ये जो वृक्ष है इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतने पत्तों के जितनी तुम्हारी जन्म होंगे उसके बाद उसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी अब इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उस उतने पत्तों का आपको जन्म लेना पड़ेगा उसके बाद मोक्ष होगा वो बूढ़े ने वहीं तभी कमंडल फेंका बंद करो ये बकवास ये क्या है ऐसा थोड़ी होता है इतना सारा इतना सारा करो मोक्ष प्राप्ति के लिए छोड़ो ये नहीं करना हमें हमें कोई धुनी नहीं रमानी चलो जाते हैं अपने गाँव थोड़ा आगे गए वो युवक था वो भी दुनिया जमाए बैठा था उसको पूछा कि क्या आपके बारे में पूछ के आया हो तो ठीक है बताइए आप पूछ के आए तो बताइए ठीक है बोला कि ये जो आप इस इस बगीचे में बैठे हो यहाँ पे इतने सारे वृक्ष हैं इस बगीचे के जो वृक्ष हैं उनके जितने पत्ते हैं पौधे हैं उतने जन्म आपको लेने पड़ेंगे उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी ये तो एक कथा है लेकिन कहते हैं कि वो युवक नाचने लगा झूमने लगा एकदम झूम उठा और नारद ने पूछा ऐसे कैसे आप झूम रहे हो इतने सारे जन्म है बोले कि इतने वृक्ष हैं धरती पर इस पृथ्वी पर इतने सारे वृक्ष हैं इतने सारे पेड़ पौधे हैं उसमें से सिर्फ इस बगीचे के पत्तों जितने मेरे मतलब मुझे जन्म लेने हैं ये तो पास में ही है मोक्ष तो आया आया इतना जल्दी ईश्वर की मेहरबानी है कृपा है मेरे ऊपर अब ये एटीट्यूड है हम क्या करते हैं दस मिनट आंख बंद करके बैठे और हमें हमें लगता है कि बस अब तो ठीक है अब सही हो गया अब हमारी धारणा जागृत हो उठी अब हम जो चाहेंगे कर लेंगे तो ध्यान मिल ही गया ईश्वर दिखना ही चाहिए और ईश्वर कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि दस दिन का कोर्स कर लिया ध्यान किया ईश्वर सामने आके प्रकट होना चाहिए कि नहीं बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए कौन सा आईफोन चाहिए ऐसा नहीं होता ना इस तरह से मंथन से कुछ मिलता नहीं अगर आप ऐसी चीज़ों के लिए जाते हैं तो आपका जो ध्यान दो कौड़ी का है उसकी कोई कीमत नहीं है तो एक तो यह है दूसरी बात व्यर्थ बातें छोड़े आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बैगेज जो है वो बैगेज कम करो हम बहुत सारा लेके चलते हैं दिमाग में शरीर में वो बैगेज व्यर्थ बातें व्यर्थ की ऐसी प्रवृत्ति है, है। गपशप लगाना है अफवाह फैलाना है ये क्या होगा ये क्या होगा जो एसेंशियल है उसको पकड़ो और जो नॉन एसेंशियल है वो अपने आप जाता जाएगा व्यर्थ बातों को छोड़ें फिर तीसरी बात जो इच्छाएँ हैं आपकी उसको समझो आप क्या करना चाहते हैं आपकी इच्छा जो है वो सही होनी चाहिए अगर कहीं स्वार्थ भावना है कहीं भय है कहीं लालच है कहीं ईर्षा है तो वो जो आपकी इच्छा है वो शुद्ध नहीं है आपकी ये इच्छा है कि मैं ये करूं लेकिन किसी को दिखाने के लिए आपकी ये इच्छा है कि मुझे ये करना है लेकिन ईर्षा से ये आती है आपकी ये इच्छा है कि मुझे ये करना है लेकिन उसके पीछे स्वार्थ है कि मैं अपना ही करूं तो ऐसी इच्छा का कोई मतलब नहीं है एक व्यक्ति ने प्रार्थना की और ईश्वर प्रकट हुए ईश्वर ने पूछा कि क्या चाहिए बोला ये चाहिए पर तो यहाँ एक शर्त है ईश्वर ने कहा जो आपको मिलेगा दुगना उसको मिलेगा आपके पड़ोसी को बोले पड़ोसी तो मेरा कट्टर दुश्मन है उसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए कि नहीं नहीं ये शर्त है उसने कहा ठीक है आप मेरी एक आंख ले लो तो बजू वाले की पड़ोस वाले की दोनों आंख गई तो ये विचारधारा ये ये ऐसी इच्छा है तो ये तो विनाशकारी इच्छा है नहीं इससे आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा इससे विनाश ही होगा इससे आत्मविश्वास नहीं होता तो इच्छाएं जो हैं वो आप एक बार सोच लो आपकी इच्छाएं किस प्रकार की है और इच्छाओं को इरादों में बदलो इच्छा को एक प्लानिंग मोड़ दो करना है पर बात हर कोई करता है करना है करना है हर किसी के पास विचार है कि ये होना चाहिए होना चाहिए लेकिन फिर जब काम करने की बात आती है या उसको फिर मूर्तिमत करने की बात आती है तब हम बैठ जाते हैं कि नहीं ठीक है गुरु गोलवलकर जी कहते थे मैंने सुना है कि शिवाजी को जन्म लेना चाहिए लेकिन किसके घर पड़ोसी के घर शिवाजी होना चाहिए भगत सिंह होना चाहिए लेकिन मेरे घर नहीं मेरे घर नहीं चाहिए ये समस्याएँ मुझे नहीं चाहिए मैं कौन कौन ये कोर्ट कचहरी का चक्कर करे कौन ये जंग करे कौन ये युद्ध करे नहीं पड़ोसी के घर अच्छा है बढ़िया है लेकिन पड़ोसी के घर तो ये नहीं होगा उस इरादों को लेना है और इरादों के हिसाब से काम करना है तीसरा है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके खुद के तर्क होने चाहिए मंथन तो आपने किया लेकिन तर्क और तर्क जागृति से आते हैं तर्क जो है जागरूकता से आते हैं थोड़ा सोचने से तो आते हैं लेकिन उस तर्क की चोट पर आपको हाँ या ना बोलना है आपकी हाँ में दम होना चाहिए आपकी ना में दम होना चाहिए आपने बोला हाँ है तो हाँ है आपने बोला ना है तो ना है ऐसा क्या है सुबह हाँ बोला दोपहर को बोला ना नहीं अभी मैं सोच के बताता हूँ कुछ लोग बोलेंगे ठीक है कल कल मिलते हैं कल इतने बजे जाएंगे दौड़ने फिर इस रात को फ़ोन किया नहीं अब मुझे घर पे कुछ मेरे मेहमान आ गए मैं नहीं दौड़ने आ पाऊँगा या फिर मम्मी ने डांटा पापा जी ने डांटा या क्योंकि आपके विचार सही नहीं थे वो सही तरह से निर्णय नहीं थे उसकी जो नींव थी आपके जो हाँ है उसमें कुछ दम नहीं था दम नहीं था इसलिए हिल गई आपकी ना में दम नहीं था दम नहीं था इसलिए आपकी ना भी हिल गई आपकी हाँ कब ना हो जाए आपकी ना कब हो जाए इसका क्या मतलब है नहीं तर्क अगर आपकी तर्क सही हैं और तर्क के पीछे जागरूकता आपके कुछ आपका एनालिसिस कुछ है तो ये होगा पांचवा है आत्मविश्वास बढ़ाने का एकदम शॉर्टकट है सेवा छोटे छोटे काम में सेवा करो जितना हो सके सेवा कर सकते हो सेवा के लिए आपको दानवीर नहीं होने की जरूरत आप किसी को समय का दान देते हो समय किसी के साथ समय बिताते हो ये भी एक सेवा है किसी को आप सुनते हो हम ज़्यादातर क्या मानते हैं सेवा यानी कुछ देना कुछ खाना खिलाना कुछ पिलाना ये कपड़े देना शॉल देना चादरें देना हम ज़्यादातर ये मानते हैं कि ये सेवा है नहीं किसी को सुनो आपके आसपास के लोगों को सुनो आपके परिचितों को सुनो हो सकता है किसी की समस्या बहुत सारी हो वो सेवा है इंसान कोई व्यक्ति हर जगह जाके कुछ कंबल बांट रहा है लेकिन रास्ते में उसको चिंटी जो दिखाई नहीं देती चिंटी के ऊपर पाँव दे के आ रहे हैं तो वो काेहे की सेवा हो गई वो सेवा नहीं हो गई सेवा जो है छोटे छोटे कामों में सेवा करो कोई पंछी को दाना दे दो पानी दे दो किसी राहगीर को आपको लगता है सही है उसको मदद करो अच्छा मशवरा दे दो किसी को आपके अनुभव के हिसाब से आप किसी को मशवरा भी देते हैं किसी को एडवाइस भी देते हैं वो भी एक सेवा है किसी की ज़िंदगी बच सकती है किसी का कार्य हो सकता है ये थोड़ा आप इसके बारे में सोचें दूसरा है कि समय पालन करें टाइम टाइम मैनेजमेंट जो है एक्चुअली में ये टाइम मैनेजमेंट है वो अनुशासन ही है अगर मैं कह रहा हूँ समय पालन करें तो मैं कह रहा हूँ अनुशासन बढ़ाए अनुशासन बढ़ाने के लिए थोड़ा समय पालन करना होगा आए गए ऐसा नहीं होना चाहिए हुआ होगा देखा जाएगा ऐसा नहीं होगा कुछ चीज़ों में आपको स्पष्ट होना पड़ेगा कि मुझे ये करना है मुझे इतने समय में ये करना है मैं ये करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी एक बात करूँगा जैसे कोई किताब आपने ली तो आप किताब को देख लो कि एक किताब है आपके पास सौ पेज की किताब है आप कब तक पूरा करोगे अगर आप सोचोगे कब तक पूरा करोगे तो शायद आप जल्दी पूरा कर पाओगे लेकिन आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो किताब इधर उधर घूमती रहेगी उसके दाग दब्बे भी हो जाएंगे किसी के ऊपर को, कोई उसके ऊपर चाय का कप भी रख देगा कोई पानी का ग्लास भी रख देगा शायद कोई फाड़ भी देगा एकाध पन्ना गायब भी हो जाएगा हफ्ते दस दिन तक किताब चलती रहेगी फिर आप पढ़ लोगे और वही होगा अगर लेकिन किताब पढ़ने से पूर्व आपने सोच लिया कि किताब अगर एक घंटे में मैं दस पेज पढ़ता हूँ दस घंटों में ये किताब मैं पूरी करूँगा दस घंटे यानी मैं शायद दो तीन दिन में पूरी कर दूँगा ऐसा सोचें तो ये जो है समय पालन आपके अंदर आएगा ये बढ़ेगा इससे आप आ, आ, अच्छा प्रदान कर पाओगे समय पालन होना चाहिए इसका मतलब ये भी नहीं है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट हर चीज़ को पकड़ के रखा नहीं अभी होना ही चाहिए होना ही चाहिए है ही है ही हर चीज़ों में समय पालन नहीं हो सकता आपने सोचा मुझे आठ बजे खाना मिलना चाहिए तो खुद बनाओ भाई आठ बजे खाना मिलना चाहिए तो खुद बनाओ घर के ऊपर फिर जमा जमाओ आठ बजे बोला था खाना क्यों नहीं मिला वो नहीं होता ये ये एक शोषण हुआ ये नहीं समय पालन का मतलब होता है अपने ऊपर कुछ ला दो तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसके बारे में हमें सोचना चाहिए करना चाहिए और ये एक है ये हुआ शॉर्ट टर्म का ये शॉर्ट टर्म में आपने किया लेकिन कोई काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि जीवन में ऐसी काफ़ी समस्या आती है जब आत्मविश्वास हिल जाता है जब हमें लगता है कि अब तो सब समाप्त हो गया अब तो क्या बचा अब तो कुछ रहा ही नहीं जैसे परिवार के किसी सदस्य का देहांत तो परिवार टूट जाता है व्यक्ति भी टूट जाता है ऐसे मामलों में कैसे खड़ा हुआ जाए या कोई आर्थिक समस्या कर्जा बहुत बढ़ गया तो क्या किया जाए या कैरियर में ऐसा कुछ ठहराव कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा परीक्षा में फेल हो गए एक विद्यार्थी भी परीक्षा में फेल हो सकता है या किसी का डिवोर्स हो गया अनबन हो रही है ऑफिस में खटपट हो रही है एक्सीडेंट हो गया पांव टूट गया छः महीना बेड पे आ गए बिस्तर पे आ गए ऐसे उतार चढ़ाव में क्या किया जाए और इसको कैसे मनाया जाए इसको कैसे संभाल के रखा जाए आत्मविश्वास की परीक्षा तो कठिनाई में ही होती है बातें तो हैं बातें तो कर ली ले। लेकिन फिर कैसे संभाला जाए इसमें दो बातें हैं आप समझ लीजिए कि आप एक समंदर को देखें समंदर में अगर लहरें ना हों तो अभी समंदर तो है ना समंदर का अस्तित्व तो है ही समंदर में अगर उफान ना आए समंदर में अगर मौजे ना भी हों समंदर तो है समंदर का अस्तित्व दो तरह से हम देख सकते हैं एक गहरा अस्तित्व एक है सतही अस्तित्व आत्मविश्वास भी दो तरह से है एक गहरा एक सतही काफी चीजें सतह से पता चल सकती है कि ये है लेकिन हो सकता है गहराई में चीज़ें भिन्न हो, गहराई में बातें भिन्न हो। हो सकता है कि किसी टूर्नामेंट में दस मैच हुई दस मैच में दो मैच कोई खिलाड़ी हार गया तो सतह से लगेगा कि इसका आत्मविश्वास तो डगमगा गया है लेकिन बाकी आठ मैच वो जीतेगा क्योंकि गहराई में उसकी जो जो नीम है जो गहराई में उसके है मजबूत आप, हैं आप अगर अलग-अलग लोगों को खड़े रखो तो शायद जो इंसान ज़्यादा चिल्लाता होगा अच्छी से वाक पटुता होगी जिसमें जो सही से डिलीवरी ऑफ थॉट्स कर पाता होगा आपको लगेगा इसमें आत्मविश्वास ज़बरदस्त है लेकिन जो चुप बैठा होगा वो धीरे से बात करता होगा हो सकता है उसमें आत्मविश्वास कहीं ज़्यादा हो जब बात आएगी तब ऐसा होता है मैंने सुना है मैंने देखा भी है एक बार एक गाँव का लड़का शहर के किसी स्कूल में गया परीक्षा देने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके सेंटर्स ज़्यादातर बड़े शहरों में होते हैं तो एक गांव का लड़का बस में गया स्लीपर पहन के और अपनी तरह से गया गांव के सादा लाल से बीस पच्चीस साल पहले की बात है गया और परीक्षा देने वो गया तो उसने देखा लोग तो बड़ी बड़ी किताबें लेके आए थे और आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि, कि कोई चश्मा पहनता है तो समझदार भी है तो उसने देखा कि क्लास में तो क्लास में पच्चीस लोग हैं पंद्रह लोगों ने चश्मे लगाए हुए हैं कि ये तो सब पढ़ा पढ़ाकू हैं पढ़ के आए कुछ लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे वो गांव का लड़का वो सुन सुन हो गया कि अपने को तो कुछ नहीं आता मुझे कुछ आएगा ही नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा उस पूरे एग्जामिनेशन सेंटर से एक ही लड़का पास हुआ और वो लड़का पास हुआ वो लड़का उत्तीर्ण हुआ उस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में वो फिर आगे उसने नौकरी ज्वाइन की तो अब मुद्दा इसके बारे में भी बहुत सारा आप सोच सकते हैं विचार कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कैसे आत्मविश्वास को संभाला जाए आत्मविश्वास कैसे ऐसे मामलों में संभाला जाए तो उसके लिए एक बात है जो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा है वो है संघर्ष से भागो मत, संघर्ष में टिके रहो संघर्ष जो है उसका स्वीकार हो फिर आ गई गर्दिशे आसमानी बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी जो हुआ वो अच्छा हुआ जो होगा अच्छा होगा अगर पीड़ा आती है तो पीड़ा बनी परमेश्वरी पीड़ा में से मार निकालो वेद से ही तो वेदना बना है वेद यानी नॉलेज तो वेदना क्या है जहाँ पे नॉलेज की उत्पत्ति हो जो आपको अनुभव के अनुभव प्रदान करे जो तो संघर्ष से मत भागो संघर्ष करते रहो कभी ऐसी चुनौतियाँ आती है कभी ऐसा वक्त आता है तो मूवमेंट करते रहो वैन यू आर गोइंग थ्रू हेल वैन यू आर वॉकिंग थ्रू फायर कीप ऑन गोइंग चलते रहो बढ़ते रहो शायद कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी तरह से जीना सुबह से शाम तक ये भी बड़ी उपलब्धि होती है जीते रहो तो वो एक संघर्ष वाला एटीट्यूड जो है बनाए रखो कि हाँ मुझे ये करना है हर हाल में मुझे टिके रहना है टिके रहना भी एक संघर्ष है और कोई शिल्प आप देखो तो शिल्प ऐसे तो नहीं बनता पत्थर कोई अपने आप तो शिल्प नहीं बनता छेनी हथौड़ी से उसको ढाला जाता है छेनी हथौड़ी से उसको बार बार उसको तोड़ा जाता है अलग अलग एंगल से उसको तोड़ा जाता है तब उसमें निखार आता है कहते हैं न जिंदगी तप तप कर जितनी ज़िंदगी तप तप कर निखरती गई जितनी ताराज हुई उतनी संवरती गई जितना जितना संघर्ष करोगे सही दिशा में तो उतना और आप और निखरोगे आत्मविश्वास को बल तभी मिलेगा आप अगर कभी आपने कोई अभ्यास ही नहीं किया हो कभी आपने कोई चुनौतियों का सामना ही नहीं किया हो तो आपका पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर गहरे में क्या है आप उथले हो कि गहरे हो आपको पता कैसे चलेगा कि दुनिया कैसे चलती है तो संघर्ष से भागो मत संघर्ष से लड़ो एक ये मुद्दा है दूसरी बात आत्मविश्वास टिकाए रखने के लिए बढ़ाए रखने के लिए पहले तो मैंने बताया छोटी छोटी सेवाएं करें, लेकिन जिंदगी भर अगर टिके रहना है तो कोई एक ऐसा बड़ा एक ऐसा उद्देश्य लो, जो परमार्थ का हो जो जो बड़ी बड़ी सेवा हो जैसे सेवा प्रकल्प एक तो होता है हम दैनंदिन में जो सेवा करते हैं एक सेवा प्रकल्प एक एक मिशन हो आपका या कोई ऐसा मिशन हो या कोई ऐसी विचारधारा उसके साथ जुड़े जिसमें आपको देना है समाज को जिसमें आपको दुनिया को वापस देना है इस पृथ्वी का इस धरती का हम पर बहुत ऋण है वो ऋण हमें चुकाना होता है वो ऋण बकाया ही रहता है अगर नहीं मेहनत करेंगे तो, तो एक बड़ा सेवा प्रकल्प आप हाथ में लें संकल्प लें संकल्प संकल्प से होता है आत्मविश्वास संकल्प से बढ़ता है संकल्प विल पावर छोटी छोटी चीज़ों से बढ़ाते जाइए फिर बड़ा करते जाइए और आपने संकल्प तो कर लिया कि ये करना है लेकिन उसके लिए प्रयास चाहिए वो प्रयास सातत्यपूर्ण चाहिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए भी आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए और धैर्य ना हो तो आत्मविश्वास किस चीज़ का एक किसान भी बीज बोता है तो धैर्य रखता है चार महीने तक पानी डालता है सिंचाई करता है धूप छाँव देखता रहता है तब जाके चार महीने के बाद उसको उत्पादन मिलता है तब जाके वो खेत जो है हरा भरा होता है तो प्रतीक्षा हर चीज़ का समय होता है सबको सब कुछ जल्दबाजी में चाहिए ऐसा नहीं होता रातों रात कुछ नहीं मिलता बिना किए कुछ नहीं मिलता तो प्रतीक्षा आप करें धैर्य करें और धैर्य के दरमियान बैठे ना रहें स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है कि केमिस्ट्री अगर आपको सीखना है तो यू से इफ़ यू वांट टू लर्न केमिस्ट्री यू नीड टू गो टू द लैब एंड बर्न योर हैंड्स एंड फिंगर्स यू कॉन्ट से जस्ट बैठ गए ओ केमिस्ट्री कम टू मी ओ केमिस्ट्री कम टू मीट लाइक दिस यू हैव टू गो देर यू हैव टू गो बर्न योर फिंगर्स बर्न योर हैंड्स देन ओनली यू विल लर्न वॉट इज़ केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऐसे बैठ बैठ के आप नहीं जैसे कुछ लोग ऐसा तो चलाते हैं कि आपने सोचना शुरू किया आ जाएगा ऐसा थोड़ी होता है यूनिक टू यूनिक टू मेक एफर्ट्स प्रयास कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती ऐसा नहीं आता सब कुछ तो उसके लिए प्रयास आप आ, करते रहिए और धैर्य से प्रयास करते रहिए और उस प्रयास कैसा होना चाहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया स्वार्थ ना हो ईर्षा ना हो भय ना हो लालच ना हो ऐसे संकल्प लो संकल्प आप ऐसे लो कि जिससे नुकसान हो रहा है तो कुदरत भी आपको साथ नहीं देगी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं छोटी छोटी ये, ये बातें आपको बताई अंत में आत्मविश्वास और युवाओं के बारे में हम चर्चा करें तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने बताई आपको इसके बारे में आप सोचिएगा विचार करिएगा आप सबसे पहले अपने आप के साथ बैठना शुरू कीजिए आप अपने इरादों को मजबूत बनाइए आप अपनी पहचान खुद बनाने की कोशिश करिए आप आत्मविश्वास क्या है वो समझ लीजिए पूरी तरह से और आपके अंदर की जो आवाज़ है आप जो हैं आप मूल रूप से जो हैं उसको जानने की कोशिश करिए आत्मविश्वास अपने आप आएगा हमें आत्मविश्वास कैसे लाना चाहिए या आत्मविश्वास में करके क्या करूँगा इससे ज़्यादा मेरे अंदर क्या है मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में सोचेंगे तो आपको अपना परिचय धीरे धीरे होता रहेगा और जैसे नहीं साथ ही मिलते गए कारवा बढ़ता गया ये अपने आप विचार आते रहेंगे और एक ये बात भी मैं कहूँगा कि हर किसी से मर... नहीं पूछा जाना चाहिए कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए ऐसे काफ़ी कॉमर्शियल प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए अगर अगर कोई किसी के साथ मिल आत्मविश्वास बढ़ जाता हो कपड़ों पहन कपड़े पहनने से या फिर कुछ कोई किसी भाषा को बोलने से तो वो आत्मविश्वास की कोई कीमत नहीं है वो अगर कोई संघर्ष हुआ अगर कोई भारी हवा चली तो ये आत्मविश्वास का परचम पहले ही झटके में फट जाता है ऐसा आत्मविश्वास को तो कोई मतलब नहीं आत्मविश्वास जो है अंदर से आना चाहिए उसके लिए आपको खुद अपने आप के ऊपर डालना पड़ेगा यही सबसे बड़ी सेवा है यही सबसे बड़ी सेवा है आपके भीतर का जो व्यक्तित्व का निखार ये अगर आप करोगे तो शायद समाज और परिवार के लिए आप सबसे ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं थोड़ी एक आखिर में मैं बात कहूँगा काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं और मुझे ये उदाहरण जो है काफ़ी प्रिय लगता है एक बार ऐसा हुआ कि एक बगीचा था और उस बगीचे में कई तरह के फूल थे उस बगीचे के कोने में एक इंटों का ढेर था उस इंटों के ढेर के पास एक घास के फूलों का जमावड़ा था घास के छोटे छोटे फूल वहाँ पर रहते थे खाते थे पीते थे मस्त रहते थे और उनका जो आयुष्य है वो पूरा करते थे अब हुआ यूँ कि उस घास के फूलों का जो समुदाय था उस समुदाय में एक छोटा सा घास का फूल जन्मा और उस वो घास का फूल था लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा थी वो सोचता रहता था जैसे मैंने कहा मंथन शायद वो पहले से जानता था वो मंथन करता रहता था चिंतन करता रहता था सोचता था विचारता था कि क्या करना चाहिए कैसा होना चाहिए तो एक बार वो घास के फूल ने देखा बगीचे में दूर अलग अलग रंग के फूलों को बड़े फूलों को अच्छे फूलों को और उसने अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना शुरू किया घर से परिवार से मोहल्ले में बात करना शुरू की कि ये मैंने देखा ये फूल है ऐसा बनना है मुझे बोले छोड़ो ये ये सब मत करो तुम ये सब अपने बस की बात नहीं है अपने घास के फूल है घास के फूल ही रहना है खाना है पीना है मस्त करना है शादी ब्याह रचाना है बच्चे पैदा करने मर जाना है बस यही हमारी नीति हमें यहाँ पड़े रहना है देखो कितने अच्छा ईंटों का ढेर है ना ही यहाँ पर बारिश आती है ज़्यादा ना ही यहाँ पर धूप लगती है हमें ना ही कोई आंधी तूफान हमें कुछ परेशान कर सकता है मस्त कोने में पड़े हैं अपना अस्तित्व बना हुआ है बना रहेगा और मत सोचो ऐसी ऐसी भड़काऊ बातें मत करो जब ज़्यादा कोई महत्वाकांक्षी बात करता है लोग बोलते भड़काऊ बातें मत करो उसके दिमाग में बात नहीं बैठी वो घास का फूल तो फिर भी उसके विचार करता रहता था वो दूर से वो गुलाब के फूलों को देखता रहता था तभी सब लोग मश्करी भी उड़ाते थे उसकी मजाक भी उड़ाते थे ये एक सी तुम आराम से जाओ स्कूल जाओ पढ़ो ठीक है ए बी सी डी सीखो ये क्या तुम गुलाब के फूल बनने की बात करते हो तो बोला नहीं बनना तो गुलाब का फूल है ये बात कहीं किसी बूढ़े बुजुर्ग को पता चली घास के फूल के समुदाय में भी एक बूढ़ा बुजुर्ग था तो उस बूढ़े बुजुर्ग के साथ उसका सत्संग हुआ और उसने बताया कि अगर तुम गुलाब के फूल बनना चाहते हो तो देखो समस्याएँ तो बहुत सारी है लेकिन एक तरीका है तुम प्रार्थना करो तुम अनुष्ठान करो शायद शायद भगवान प्रकट हो जाए और तुम्हारी ये इच्छा है पूर्ण हो घास के फूल को ये बात पसंद आई घास के फूल ने ईश्वर की प्रार्थना शुरू की कुछ वक्त बीता उसमें भी प्रतीक्षा थी उसने सातत्यपूर्ण प्रयास किया संकल्प लिया और फिर ईश्वर प्रकट हुए खुद ही कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है उसने किया ईश्वर प्रकट हुए ईश्वर ने बोला क्या चाहिए बोला कि मुझे गुलाब का फूल बनना है ईश्वर ने भी शर्तें की उन्होंने बोला कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इन्वेस्ट केयरफुली उन्होंने भी कहा शर्तें लागू हैं गुलाब के फूल बनोगे तो कांटे होंगे गुलाब के फूल बनोगे तो शायद तुम्हें कोई नोच लेगा गुलाब के फूल बनोगे तो धूप आएगी आंधी आएगी बारिश भी हो सकती है तुम तुम्हारी ज़िंदगी जो है जल्दी समाप्त हो सकती है तुम सोच लो घास के फूल ने कहा कि सोच लिया मुझे बनना है तो ठीक है तथास्तु कल सुबह तुम बन जाओगे दूसरे दिन सुबह वो घास का फूल बन गया गुलाब का फूल इतफाक से इतफाक से उसी दिन बहुत धूप आई तेज़ धूप आई इतनी तेज़ धूप आई कि दोपहर तक बारिश आना शुरू हो गई बारिश के साथ आंधी भी आई हवा जोर जोर से आई शाम होते होते वो गुलाब का फूल एकदम बुझा बुझा हो गया गिर भी गया वो गिर गया और जब वो गिर गया तो वो घास के फूलों का समुदाय दूर देख के समुदाय देखता है ना समुदाय तमाशा ही देखता है उन्होंने देख वो देख रहे थे हाँ ठीक है देखो अब देखो हम बड़े बनने चले थे हमने बताया हमने समझाया ऊपर से हमारे बच्चों को भी भड़का रहे थे ये है वो है देखो अब क्या हालत हो गई तब उस घास के समुदाय जो फूलों का समुदाय था उसके वो जो कुछ बड़े लोग इकट्ठा हुए कि ठीक है आखिर तो हमारा ही है पूछा तो जाए उससे एक बार वार्तालाप किया जाए दो चार लोग जाए पूछे कि तुम क्या कहना चाहते हो तुम्हारी कोई इच्छा है तुम कोई विचार प्रकट करना चाहते हो जाने से पहले मौत तो अब तय ही है कुछ घास के फूल गए चार पांच, मिलने कैसे हो कैसे हुआ और क्या है तुम कुछ कहना चाहते हो तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है उस घास के फूल ने बोला मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है मुझे कुछ नहीं कहना फिर भी एक दो लोगों ने थोड़ी मशक़री के तौर पे कहा नहीं 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 फिर भी तुम तो बड़े पैमाने पे चले थे बताओ क्या है तब तो उसने बहुत सुंदर बात कही और ये बात विचार योग्य है उसने कहा अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको कहता हूं आई एम डाइंग आफ्टर लिविंग life, लाइफ बट यू आर लिविंग if यू आर डेट मैं जी जी कर मर रहा हूँ मैंने अपनी जिंदगी जी ली मैं अपनी शर्तों पे जी कर मर रहा हूँ तुम लोग मर मर कर जी रहे हो ये एक मेरा संदेश है ये याद रखना ये एक प्रतीकात्मक कहानी है लेकिन ये प्रतीकात्मक कहानी बहुत कुछ हमें कह देती है और इसमें आत्मविश्वास भी आ जाता है और युवापन क्या होता है वो भी आ जाता है अंत में आत्मविश्वास होना और युवा होना ये मेरे मानो तो भिन्न घटनाएं है नहीं हैं भारत के युवाओं को आत्मविश्वास उजागर करना होगा स्वामी विवेकानंद ने एक विज़न दिया है भारत के लिए और वो जो विजन है उस विज़न को सार्थक करने के लिए हमारे युवाओं को सही मायने में युवा बनना पड़ेगा और हर वक्त का एक हर वक्त का एक युग आता है हर बात का एक युग आता है वो युग मैं मानता हूँ कि भारत का बहुत जल्दी आने वाला है लेकिन हमें उसके लिए और सशक्त बनना पड़ेगा और समर्थ बनना पड़ेगा और प्रयत्नशील होना पड़ेगा हो और हमारे अंदर हमारे भीतर हमारी जो क्षमताएं हैं हमारी जो धरोहर है हमारी चेतना है हमारी अस्मिता है उसको हमें उजागर करना पड़ेगा हम जो हैं हम कौन हैं हम क्या कर सकते हैं ये भावना ये 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 जो विचार है और मूर्तिम्त करना पड़ेगा और इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा निरंतर सोचना पड़ेगा अगर भारत के हजारों लाखों करोड़ों युवा इस विचार इस दिशा में सोचें इस तरीके से सोचें तो आप सोचिए कि एक भारत कितना मजबूत बन सकता है कितना महान बन सकता है स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है कि कुछ छोटे छोटे देश बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं क्योंकि उनका अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स होता है उनके जो लोग हैं दे आर अलाइंट दे आर हैविंग एक अलाइनमेंट होता है उसकी वजह से वो स्ट्रक्चर बनता है और हम हम वी आर नॉट अलाइंड वी हैव टू बी अलाइं समझ लीजिए कि इंटों का ढेर है और इंटों के ढेर से एक मकान भी बनता है तो मकान जो है अलाइंड है जो आपको काम आ सकता है लेकिन इंटों का ढेर इतना भी बड़ा हो पर्वत जितना हो किसी काम का नहीं बिकॉज दे आर नॉट अलाइंड तो ये जो है आत्मविश्वास जो है एक तरह का एफर्ट ऑफ अलाइनमेंट है ये एफर्ट ऑफ अलाइनमेंट लाया जाए हमारा पहले अपने साथ फिर हमारा बाकी लोगों के साथ इतना मैं कहूँगा मुझे आपने सुना बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद आदरणीय श्री बेगा साहब ने बहुत ही सुंदर विषय हमारे सामने प्रस्तुत किया युवा क्या है आत्मविश्वास क्या है आत्मविश्वास के पहलू क्या है कैसे हम जीवन में इसको बढ़ा सके आत्मविश्वास कैसे हम बढ़ा सके अपने जीवन में ये सुंदर सुंदर बातें श्री मेघानी साहब ने हमें बताई मुझे विश्वास है कि इन बातों से हमारे युवाओं का आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ेगा उनको एक नई राह मिलेगी एक नया प्रकाश मिलेगा जो उनका अपना जीवन महान बनाने में और इस देश को महान बनाने में बहुत उपयोगी होगा कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं मैं आदरणीय मेघानी साहब से विनती करूंगा कि उनके ऊपर भी हमारे युवाओं का वो मार्गदर्शन करें एक प्रश्न है जी कि आत्मविश्वास के लिए बाहरी ज्ञान और आंतरिक ज्ञान क्या दोनों समान महत्व रखते हैं पहले आ, हमें यह समझना पड़ेगा ज्ञान क्या है जो बाहरी है वो जानकारी है जो हम बाहर से इकट्ठा करते हैं वो जानकारी है हम अगर उनको उसको विजडम कह सकते हैं जैसे तो ये शब्दों का दोष है जो बाहर से हमें मिलता है वो जानकारी वो इंफॉर्मेशन है वो डेटा है जो भीतर से आता है वो ज्ञान है आत्मविश्वास के लिए तो ज्ञान ही आवश्यक है भीतरी ज्ञान ही आवश्यक है लेकिन आत्मविश्वास होने के बाद हमें संसार में काम करना है हमें समाज के बीच में काम करना है हमें लोगों के साथ काम करना है तो हो सकता है हमें आत्मा का ज्ञान तो है लेकिन आत्मा का ज्ञान खुद का ज्ञान वही पर्याप्त नहीं है हमें बाहरी बातों का भी ज्ञान जरूरी है मुझे मेरा साक्षात्कार हो चुका है लेकिन मुझे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए मुझे ये पता है कि कैसे ध्यान करते हैं मुझे ये पता है कि मैं अपने अंदर कैसे गोता लगाऊंगा लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि बैंक कैसे काम करती है मुझे ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्र व्यवस्था कैसे काम करती है मुझे ये पता होना चाहिए कि राज्य व्यवस्था कैसे काम करती है मुझे ये पता होना चाहिए कि एक गरीब आदमी को लोन कैसे मिल सकती है एक गरीब परिवार को कुछ सहायता कैसे मिल सकती है क्या किया जा सकता है क्या पढ़ना चाहिए कि जैसे रोज़गारी का सृजन हो ये बाहरी बातें हैं अगर मेरे पास ये बाहरी जानकारी है तो शायद मैं लोगों को ज़्यादा उपयोगी हो सकता हूँ वो मुझे करना चाहिए वो मेरा प्रयास हर युवा का प्रयास होना चाहिए लेकिन मुझे खुद को जानने के लिए तो भीतरी ही ज्ञान आवश्यक है हाँ अगर भीतरी ज्ञान है तो आत्मविश्वास मजबूत है ज़रूरी है अच्छा है अगर केवल बाहर की जानकारी है यानी समझ लीजिए कि किसी के पास ये सब कुछ जानकारी है तो हो सकता है कि वो बातें तो बड़ी बड़ी कर सकता है वो हो सकता है एक पैरट माइंड है वो एक तोते जैसा आदमी बन गया है सर लेकिन वो नेतृत्व तो प्रदान नहीं कर सकता या वो कुछ हद तक मार्गदर्शन कर सकता है लेकिन वो आत्मदर्शन नहीं करवा सकता वो किसी को ज़्यादा उपयोगी नहीं हो सकता एक सतह सतह पर वो उपयोगी हो सकता है लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या आ गई जीवन में कि बहुत गहराई में जाना पड़ता है बहुत लंबे अरसे तक वो संघर्ष करना पड़ता है तो वो ज्ञान जो है वो भीतरी ज्ञान ही उपयोगी हो सकता है बाहरी ज्ञान बाहरी ज्ञान तो आज है कल नहीं है कल वक्त बदल गया पूरा हो गया अगर किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास है उसको आज सुला दो शीत निद्रा में डाल दो उसको शीत निद्रा में डाल दो उसको सौ साल के बाद खड़ा करो वो वैसा ही रहेगा बाहरी पूरा चीज़ें जो है बाहरी बातें बदल गई होंगी बाहरी सब चीज़ें बदल गई होंगी लेकिन वो नहीं बदला होगा वो सौ साल के बाद सब कुछ बदल चुका होगा शायद अभी हमारे पास मोबाइल छोटे छोटे हैं तब शायद मोबाइल ही ना हो कुछ और हो वो फिर भी कर पाएगा क्योंकि उसको अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है उसको अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए किसी और संसाधनों की ज़रूरत नहीं है वो है वो खुद है वो जहाँ खड़ा रहेगा वहाँ से काम होगा हमें इस बातों को समझना चाहिए भीतरी ज्ञान आवश्यक है बाहरी जानकारी भी आवश्यक है ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं इस दोनों का अगर सही तरह से समन्वय होता है तो हम ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं वरना आत्मविश्वास के लिए तो हमारा खुद का ज्ञान काफ़ी है अगर कोई व्यक्ति वर्षों से किसी मॉनेस्ट्री में साधना कर रहा है तो उसका आत्मविश्वास कहीं गुना अधिक है कई गुना अधिक है भितरी ज्ञान होना चाहिए वो ज्यादा है वो मैं मानता हूँ भितरी ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन बाहरी जानकारी भी जरूरी है जी दोनों समान रूप से है पर भीतरी ज्ञान ज्यादा जरूरी जी बहुत अच्छा आत्मविश्वास के लिए पारिवारिक वातावरण और पेरेंट्स का कितना योगदान रहता है जी जी महाराज ये प्रश्न जो है ये काफी लोगों को छू सकता है और इसका इसके बारे में बहुत सारे विचार भी हो चुके हैं एक उदाहरण दूंगा मैं किसी शिपयार्ड, किसी शिपयार्ड में बड़े जहाज का निर्माण हुआ बड़ा जहाज़ कैसे बनता है छोटा छोटा सब पार्ट्स इकट्ठा किया जाता है लोहे लोहा इकट्ठा किया जाता है उसको इंजन बनाया जाता है उसका डेक बनाया जाता है वगैरह वगैरह वर्षों की प्रक्रिया होती है वर्षों की प्रक्रिया के बाद एक जहाज बनता है शिपयार्ड में और जो एक बड़ा जहाज बन जाता है बड़ा जहाज किस लिए बनाया जाता है बड़ा जहाज बनाए किस लिए जाता है बड़ा जहाज बनाया जाता है ताकि वो पानी में जाए और उसका जो काम है वो काम करे बड़ा जहाज बंदरगाह में रहने के लिए तो नहीं बनाया जाता लेकिन उस बड़े जहाज को जब बंदरगाह से निकाल कर समंदर में लाया जाता है वो समय जो है सबसे ज्यादा निर्णायक होता है तब पानी उथला होता है पानी की जो सतह होती है पानी की सतह तब जो है बहुत वो पानी गहरा नहीं होता पानी जो है उसकी गहराई बहुत छो कम होती है और उसको टग टगबोर्ड से निकाला जाता है डायरेक्शन दे के निकाला जाता है ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो उसको कोई अकस्मत ना हो उसको कोई चोट ना पहुंचे ताकि वो कहीं इधर उधर वो अगर किसी पत्थर से टकरा गया या वहाँ धंस गया कीचड़ में तो शायद उसको नुकसान हो सकता है इतना नुकसान नहीं होता कि वो वापिस उसको बनाना पड़े लेकिन नुकसान हो सकता है परिवार की ये भूमिका होती है परिवार की परिजनों की भूमिका होती है कि बड़े जहाज का निर्माण हुआ हो फिर उसको धीरे से प्यार से सही तरीके से वैज्ञानिक रूप से गहरे पानी में जाने देना चाहिए हाँ कोई परिवार ऐसा सोचे इस जहाज़ को तो हमने बनाया कोई बंदरगाह ऐसा सोचे इस जहाज को तो हमने बनाया हमने ये सब लोहा लाए क्या था कुछ नहीं था हमने इसका निर्माण किया वर्षों तक मेहनत की दस वर्ष बीस वर्ष मेहनत की तब ये बना अभी हमें छोड़ के जा रहा है ये तो कैसा है ये तो ठीक नहीं है ये तो यहीं बना और हमें छोड़ के जा रहा है तो ये एक भावना है हमें परिवार के तौर पे सभी परिवारों को छोड़नी होगी अगर जहाज़ बना है हाँ छोटी छोटी टक छोटी छोटी बोट बनी है तो ठीक है लेकिन बड़े जहाज़ होते हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा क्या होता है कि जो बड़ा जहाज़ है उसकी जो नियति है वो तो नियति फुलफ़िल करेगा ही आज नहीं तो कल तो वो उस नियति को मिलेगा ही परिपूर्ण करेगा ही लेकिन ऐसे विचारों की वजह से टकराव होता है उसकी उसके शरीर पर उस जहाज़ की बॉडी में टकराव होता है कुछ गड्ढे हो जाते हैं कहीं उसका रंग घिस जाता है कहीं उसमें चोटें आती हैं कहीं उसमें कुछ नुकसान होता है उस नुकसान के बावजूद वो जाता तो है लेकिन एक कसक एक पीड़ा उम्र भर उसको रहती है कि मेरे साथ अगर ये नहीं हुआ होता तो अच्छा होता मैं मानता हूँ ये है हर परिवार को ये सोचना चाहिए कि हम अपनी जो संतान है उस संतान को बड़ा तो किया लेकिन किस हद तक उम्मीद हमें रखनी है हमने बड़ा तो किया खलील जिब्रान ने कहीं कहा है कि संतान जो है वो हमारी हमारी धरोहर नहीं है संतान कहीं और से आया है हमें उसको पालना है हमें उसको बड़ा करना है हमें उसको अच्छा करना है उसके बाद वो उसकी नियति है उसको जाने देना चाहिए आत्मविश्वास में भी ये ज़रूरी है जब हम आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं कुछ हद तक ठीक है परिवार की भूमिका है लेकिन परिवार ही सब कुछ सभी जो है सभी नियंता नहीं हो सकता आत्मविश्वास आपका अच्छा हो सकता है अगर परिवार अच्छा हो तो आपको आपके परिवार में ऐसा वातावरण हो अनुकूल वातावरण हो तो अच्छा है बढ़िया है बड़ी अच्छी बात है लेकिन किसी के अंदर इतनी आग हो इतना जुनून हो तो वो फिर भी निकल सकता है बावजूद परिवार के किसी के तो परिवार नहीं होते किसी के तो माँ बाप नहीं होते काफी लोगों के माँ बाप होते हैं लेकिन माँ बाप गरीब होते हैं वो दो जून की रोटी की समस्या होती है वो कहाँ से वो कुछ करे वो कहाँ से वो ये प्रेरणात्मक बातें कहाँ से वो करे अभी हम जो बात कर रहे हैं वो भी नहीं सुन रहा होगा ना हम जो बात कर रहे हैं ये तो वो सुन रहे होंगे जिनके पास मोबाइल है जिनके पास डेटा कनेक्शन है वो लोग सुन रहे होंगे ऐसा कोई गरीब बच्चा वो तो सुन भी नहीं रहा होगा वो कहीं को बैठ के तैयारी कर रहा होगा तो आत्मविश्वास तो फिर भी बढ़ता है शायद ऐसे ही मामलों में ज़्यादा बढ़ता है पर हाँ ये है कि अगर परिवार समर्थन करता है तो वो जहाज़ आराम से जा सकता है पानी में और कभी उसको वापस आने में भी वो संकोच नहीं होता कभी वक्त वक्त मिलते कभी जहाज़ को भी आराम करना पड़ता है सर्विसिंग करनी पड़ती है उसको भी उसके भी इंजिन को साफ करना पड़ता है ऑयलिंग करना पड़ता है डॉक में आना पड़ता है वापस ना आए तो और बात है बड़ा जहाज़ है वो बड़ा जहाज़ पूरी जिंदगी भर संघर्ष करता रहेगा समंदर में फिर क्या होता है पर जब परिवार साथ नहीं देता चोटे खा खा कर वो आगे जाता है फिर वो समंदर में ही रहता है और वहीं पे फिर उसका जो उसका जो कार्यकाल उसका जो समय आएगा वो समंदर में ही फिर डूब जाता है और ज़िंदगी भर एक कसक रहती है कि शायद मेरे साथ ऐसा होता तो और निशान रह जाते हैं ये। तो ये न केवल व्यक्ति को सोचना चाहिए परिवार को भी सोचना चाहिए और व्यक्ति जो है वो सभी संघर्ष के बावजूद सभी अवरोधों के बावजूद विकास कर सकता है वो अपनी नियति को पा सकता है व्यक्ति कर सकता है परिवार जरूरी है अच्छा है परिवार अपरिहार्य नहीं है परिवार जो है वो अपरिहार्य जैसे समझ लीजिए कि आंखें होना सपने देखने के लिए आंखें होना जरूरी नहीं है तो क्या जिसके जिसके आंखें नहीं हैं वो सपने नहीं देखेगा क्या सपना तो वो भी देखेगा या फिर मुझे विचार प्रेषित करने के लिए जीवा होना ज़रूरी नहीं है जिसकी जिहवा नहीं है जो बोल नहीं सकता वो भी विचार तो प्रेषित कर सकता है समस्या होती है समस्या होती है थोड़ी दूसरी कलाएँ सीखनी पड़ती दूसरे स्किल डेवलप करने पड़ते हैं हो तो अच्छी बात है पर ना हो तो कोई गम नहीं हो तो अच्छा है जी नहीं नहीं� एक प्रश्न है आज के इस समय में बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक हम अपने अंदर देश सेवा की भावना को कैसे जागृत रखें और उसको कैसे कार्य रूप में परिणित करें सर ये अच्छा प्रश्न है हम आरंभ में तो शुरूर होते हैं हम हर काम की शुरुआत में बड़ी बड़ी बातें करते हैं मैंने देखा है फर्स्ट जनवरी को जो बाग बगीचे होते हैं जो सड़कें होती हैं या जो फिटनेस सेंटर हैं वहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है तो इस बार तो ज़बरदस्त स्नायु वाला शरीर बनाना है वज़न कम करना है ये करना है शायद कॉलेज में जाने वाला हर छात्र सोचता है कि इस बार अच्छे से मैं पढ़ाई करूँगा शुरुआत के दिनों में अच्छे से करता है फिर धीरे धीरे वो वो उत्साह जो मर जाता है तो अच्छा है शायद हमारी चर्चा के बाद किसी को विचार भी आए थोड़े दिन चले भी सही लेकिन वो मैंने बताया धीमी आंच वो धीमी आंच पे चलने वाली आग वो धीमी आँच पे चलने पकने वाली जो बातें हैं वो है एक धीमी लॉ आत्मविश्वास ये नहीं है कि चिल्लाए आत्मविश्वास ये नहीं कि जोर जोर से ढोल नगाड़ा बाजे आत्मविश्वास दूर से एक सर, श, श, शहनाई की आवाज़ आती है जो सिर्फ हमें सुनाई देती है जो हमें सुनाई देती है कि हाँ ये है वो मुझे बुला रहा है वो मुझे पुकार रहा है ये मुझे ये करना है ये है आत्मविश्वास मेरे मेरा खुद मुझे आवाज़ दे रहा है तो बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आत्मविश्वास संभाला जा सकता है काम किया जा सकता है इसके लिए पहले सबसे बड़ी बात जो है सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर ऊर्जा चाहिए हम वृद्धावस्था कब देख पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे जब हमारे अंदर ऊर्जा होगी और हमारे भीतर ऊर्जा कब होगी जब उस ऊर्जा का क्षय हो जैसे मैंने बताया ना व्यर्थ बातों को छोड़े तो हमारे हमारी जो ऊर्जा है उसका क्षय अगर छोटी छोटी चीज़ों में हो जाता है तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे भीतर एक तो ऊर्जा का संचय हमें करना है ऊर्जा होना चाहिए वीरवान बनो जो हम जो संकल्पना कहते हैं ना वो वही है वो यही है कि हमारे अंदर जो ओझस तेजस होगा तो अपने आप आएगा हमें उसको पहले करना है ऊर्जा हमारे अंदर होनी चाहिए और ऊर्जा का क्षय इधर उधर नहीं होना चाहिए फोकस होना चाहिए एक निष्ठ बनना है वो अलाइनमेंट की जो मैंने बात की वो एक निष्ठ बनना है सत्यनिष्ठ बनना है लेकिन एक निष्ठ बनना है एक वक्त पे एक काम सिंगल माइंडेडनेस करना है फोकस है करना है तो वो जो है वो हमें लाना है वो ये जो है बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक ये जो एक निष्ठता ये जो सत्यनिष्ठा है वो होनी चाहिए ये तभी हो सकती है जब हमारे पास ऊर्जा होगी हो सकता है हमारा शरीर कमजोर हो गया वृद्धावस्था में हमारा शरीर कमजोर हो सकता है हो सकता है हम थोड़े किसी किसी अगर तो हम हमारी जीवन शैली सही नहीं है तो हमारे कुछ और भी हम कुछ रोग भी रोग के शिकार हो सकते हैं हो सकता है लेकिन जो हमारी आत्मीय ऊर्जा है इसलिए तो हम कहते हैं वृद्ध आत्मीय ऊर्जा वो बढ़नी चाहिए हमें बूढ़ा नहीं होना है हमें वृद्ध होना है वृद्धि होनी है शायद एक वृद्ध व्यक्ति जितना जान सकता है और जितना कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता हमें वृद्ध सही मायने में हमें वृद्ध होना है कोई कह सके कि हाँ ये वृद्ध है ये इसने देखा है इसने जाना है ये इसके पास कुछ है वो जो आत्मीय ऊर्जा जो हमारी ऊर्जा है वो हमें बनाए रख एक वो और ये तभी बन सकती है ये तभी बन सकती है जब वो शुभ हो शुभ हो जिसमें मेरा कम हो मेरा कम हो बाकी लोगों का ज्यादा हो जिसमें स्वार्थ कम हो परमार्थ ज्यादा हो अर्थ तो हो बिना स्वार्थ के भी नहीं होता लेकिन स्वार्थ कम हो परमार्थ ज्यादा हो वो ऐसा कर्म हो वो कुछ ऐसी बातें हो जिसमें मैं एक माध्यम हूं मैं एक माध्यम हूं निस्वार्थ बिना किसी ईर्षा के बिना किसी भय के बिना किसी लालच के मैं इसमें हूँ वो ऐसा कुछ काम हो उसके साथ जुड़े रहना चाहिए तो उत्साह अपने आप आता है आप माने ना माने आप तो मानते ही होंगे आप तो इसी क्षेत्र में हैं सर इसमें इस, आपको तो मैं क्या बताऊँ लेकिन लोग माने ना माने लेकिन कोई ऐसी एक शक्ति है जो हमारा संचार करती है आप उसको किसी भी शब्दों में कहें और वो देखती है उसको पता है आपके विचार शुभ हैं कि नहीं हैं आप क्या करने जा रहे हो वो वो आपका मार्गदर्शन वो आपको देती रहेगी अगर आपका इरादा जो है वो सही है आपकी कोशिश जारी है आपकी भाषणबाजी सिर्फ नहीं है आप काम भी कर रहे हो वो आपको मार्गदर्शन देती है मैं ऐसा बहुत गहरे रूप से मानता हूँ जानता हूँ कि वो एक परम शक्ति होती है जो हमारा मार्गदर्शन जब हमें जरूर पड़े तब करती है तो ये संभाल करना चाहिए ये होगा मैं मानता हूँ ये होगा अगर तो अपने आप होगा आपके पास महात्मा गांधी कहते थे टैलेंट इज़ नॉट मस्ट टैलेंट है तो अच्छी बात है पर टैलेंट इज़ नॉट मस्ट डिज़ायर इज़ मस्ट विचार एक इच्छा शक्ति जो है वो डिज़ायर वो होना चाहिए वो होगा तो अपने आप आपके अंदर टैलेंट भी आने लगेगा स्किल्स भी आने लगेंगे मार्गदर्शन अपने आप होता रहेगा आपको करना है करना हो जाएगा वो आएगी वो होगा मेरा ये मेरा मानना है बहुत सुंदर आपने की सुंदर व्याख्या की और इसका बहुत सुंदर आपने आंसर दिया आत्मविश्वास क्या जन्म से प्राप्त होता है या चेष्टा से प्राप्त किया जा सकता है दोनों बातें हैं आत्मविश्वास जन्म से भी प्राप्त होता है और आत्मविश्वास चेष्टा से भी प्राप्त किया जा सकता है चेष्टा यानी कर्म हम ऐसे कर्म करें हम ऐसे कुछ कार्य करें जैसे मैंने बताया आपको मैंने कुछ पांच छह मुद्दे बताए थे कि कैसे किया जाए आत्मविश्वास बढ़ सकता है उससे आत्मविश्वास बढ़ सकता है लेकिन मैंने आपको एक ये भी बताया उदाहरण मैंने एक सिंह का उदाहरण दिया था आपको अभी कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे हर एक अपने अपने विचार होते हैं लेकिन अब हम, हम जब हम जन्म लेते हैं तब हम कुछ संस्कार लेके जन्मते हैं हमारे हमारी जो जो मनस्थिति है हमारे अंदर जो वी वी आर नॉट जस्ट बॉर्न विथ डीएनए ऑफ बॉडी जो शरीर है उसका डीएनए लेके हम नहीं पैदा होते वी आर हैविंग द डीएनए ऑफ कॉन्शियसनेस आल्सो एंड एज डीएनए इज इवॉल्विंग कंटिन्यूसली हमारा जो बॉडी का है तो डीएनए ऑफ कॉन्शियसनेस इज आल्सो इवॉल्विंग हमें पता हो हमें ना हो सो वी आर बॉर्न विद सम सर्टन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और वो जब हम पैदा होते हैं उसका माहौल कैसा है उस हिसाब से तय होता है क्या होता है लेकिन ये करीब करीब हर बालक में होता है मैं नहीं मानता कोई बालक ऐसा हो कोई बच्चा ऐसा हो जिसमें आत्मविश्वास ना हो बालक तो आत्मविश्वास लेके पैदा होता है समाज उसको बिगाड़ देता है समाज उसको ऐसी शिक्षा देता है जो वो डरना शुरू करता है बालक डरता है बालक नहीं डरता बालक आप किसी बालक को देखो किसी बच्चे को देखो वो नहीं डरेगा डरेगा कौन जो बड़ा होगा वो डरेगा बालक नहीं डरता बालक में तो विश्वास होता है बालक अगर रोता है तो रोम रोम से रोता है बालक अगर हंसता है तो रोए रोए से हंसता है बालक हंसता है तो पूर्ण रूप से हंसता है हमारी हंसी में भी एक कैलकुलेशन होता है गिनती होती है हमारे रोने में भी कभी काफ़ी बार प्रफ्रेंच होता है काफ़ी कुछ और अदाकारी होती है हम रोते हैं तो भी काफ़ी बार हमारा काम निकालने के लिए रोते हैं हम बातें करते बालक बोलता है बालक कहता, कहता है मुझे भूख लगी यानी उसको भूख लगी है और बालक जब कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी तो यानी उसको भूख नहीं लगी वो क्लियर है वो स्पष्ट है लेकिन हमें भूख नहीं लगी हो तो भी हम खाना खा लेते हैं हमने खाना खा लिया दोबारा किसी ने कुछ अच्छा बोला और खा लिया हमने तो बालक में लालच नहीं होती बड़ों में लालच होती है बालक में स्वार्थ नहीं होता बड़ों में स्वार्थ होता है बालक में भय नहीं होता बड़ों में भय होता है ये हमें समझना चाहिए बच्चे में आत्मविश्वास तो होता ही है लेकिन एक और आत्मविश्वास होता है जो हम लेके मतलब वो होता है लेकिन उसकी बातें वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है चेष्टा से बनाया जा सकता है इन शॉर्ट अगर आप एक वाक्य में मुझसे पूछें तो चेष्टा से बनाया जा सकता है कर्म से बनाया जा सकता है नहीं तो फिर आ, बस ये तो फिर क्या हो होगा आत्मविश्वास तो पैदा होने से मिल जाता है तो ठीक है प्रयत्न ही नहीं करना या अगर मेरे पास है तो है नहीं है तो नहीं है ऐसा नहीं होता हमारे पास नींव तो है नींव हर बच्चे में है हर बच्चा जो है भोला पैदा होता है हर बच्चा जो है मासूम पैदा होता है हर बच्चा सही है लेकिन उस उस नींव उस ऊर्जा के आधार पर उसको और आगे बढ़ना है एक वक्त के बाद हमारा खुद का प्रयास भी जारी होना चाहिए हमें कुछ तो दिया गया है लेकिन हमें कुछ करना है हमें कुछ ऐसा दिया गया है समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्रकृति ने हमें दी है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें पुरुषार्थ करने से मिलेगी कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रकृति ने हमें दी है प्रकृति है उसने दी है हमें लेकिन प्रकृति अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती पुरुषार्थ पुरुष जो है वो हमारा जो पुरुष उसको जागृत करके हमें वो करना है तब आत्मविश्वास बनता है ये दोनों जो मिलते हैं निरंतर ये ये जो कार्य होता है उसके बाद वो होता है वो है तो तो नहीं तो ऐसा नहीं है प्रारब्ध में लिखा गया आत्मविश्वास है तो है प्रारब्ध क्या है प्रारब्ध अलग चीज़ है प्रारब्ध आया तो से लेकिन पुरुषार्थ का भी महत्व है पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदला जा सकता है लेकिन प्रारब्ध जब समाप्त होता है तब तो पुरुषार्थ शुरू होता है तो ये काफ़ी मतलब ये बहुत गहरी चीज़ है शायद बहुत कम समय हमारे पास लेकिन ये मैं मानता हूं कि चेष्टा से चेष्टा से शुभ चेष्टा से शुभ प्रयास से आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है केवल जन्म से ही नहीं प्रयत्नों से बढ़ाया जा सकता है आत्मविश्वास ऐसी कोई भेंट नहीं है जो हम जीते जी किसी से लेंगे हमारे अंदर तो होता है लेकिन वो वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर होता है लेकिन अनुभव से हमें वो जागृत और करना है और ढालना है और बढ़ाना है मैं मानता हूँ मैंने प्रयास किया है जी। जब हम किसी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हो और हम प्रामाणिकता नैतिकता के साथ देश सेवाओं में अपना योगदान देना चाहते हों किंतु तो वहाँ का माहौल और हमारे अन्य साथी या हमारे पदाधिकारियों में ये भावना न हो तो हम कैसे अपने आप में देश प्रेम देश सेवा की भावना को जगाए रखें और अन्य लोगों को कैसे प्रोत्साहित करें सर प्रश्न तो हर किसी को लागू होता है बड़ा संगीन प्रश्न है आजकल बहुत युवा ये प्रश्न पूछते भी है समझ लीजिए किसका विरोध नहीं हुआ अब किसी भी व्यक्ति ने जिसने कुछ देखा हो कुछ पाया हो कुछ किया हो जिसको हम कुछ आदर्श मानते हों आप उनका जीवन चरित्र देखें आप उनकी जीवनी देखें तो ऐसा तो नहीं है कि वो आए और बन गए हर किसी ने संघर्ष किया है और हर किसी को गलत रूप से समझा गया है आप सॉक्रेटिस को ले लें सोक्रेटिस को तो इतना गलत रूप से समझा गया है कि जहरी दे दिया गया जीसस उनको सूली पे चढ़ा दिया गया स्वामी विवेकानंद जब भारत में थे उनकी जो भारत भ्रमण का कार्यकाल था तब भी काफ़ी लोगों ने उनका विरोध किया काफ़ी कम किताबों में ऐसा लिखा गया है क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से हम ऐसी नकारात्मकता को भूल जाते हैं लेकिन उनका विरोध हुआ न केवल उनका तब विरोध हुआ जब वो भारत वापिस आए विश्व यात्रा करके पहली बार जब वो वापिस आए तब भी कुछ लोगों ने उनका विरोध किया बड़ी दबी सी आवाज़ में किया उनकी आवाज़ इतनी सुनाई नहीं दी गई क्योंकि स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा के सामने उनका कोई महत्व नहीं था लेकिन विरोध तो होता है आप कुछ भी ऐसा काम करोगे जो जो सोए हुए समाज को जो सोए हुई सभ्यता को जगाता है जगजोरता है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है ये विरोध तो होगा ही और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो विरोध होगा ही अगर हर कार्य की वाहवाही हो अगर हर चीज में लोग सहमति हो आपसे तो वो कार्य कैसा फोर्ड कंपनी का जो मालिक है उसने कार बनाई तो उसने कार बनाई तब किसी ने उसको पूछा कि आपने कार बनाने से पहले लोगों से पूछा कि कार कैसी होनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि लोगों से पूछता तो वो कहते हैं कि हमें तेज़ चलने वाली घोड़ा गाड़ी चाहिए लोग लोगों को पता नहीं कार क्या होता है लोगों को पूछता तो लोग बोलते हैं कि वी नीड अ बेटर हॉर्स कार्ट फास्टर हॉर्स कार्ट ऐसे ऐसी एस, ऐसी जो है गाड़ी बनाओ जो बगी बनाओ जो थोड़ा तेजी से भागे लोगों को पता ही नहीं कार होता है कार जैसी कोई चीज़ हो सकती है लोगों को पता ही नहीं वो तो हेनरी फोर्ड ने बना के दी तो लोग विरोध करेंगे उनको पता नहीं है उनको पता नहीं है समझ लीजिए कि आप ऐस एस ऐसी जगह पे हैं कि आप ऊंचाई पे हैं एक मैदान है मैदान के ऊपर मैदान के पास एक पेड़ है लोग देखते भविष्य में देखना ये भविष्य में देखना ये है एक मैदान है मैदान में एक पेड़ है पेड़ के ऊपर आप बैठे हो आपको दूर से दिख रहा है कोई आ रहा है लेकिन आप नीचे खड़े व्यक्ति को कहोगे ये आ रहा है ये होने वाला है वो बोले चुप चुप रहो बैठे रहो हमें तो कुछ दिखता नहीं है तुम अपनी बड़े बड़े फंडे दे रहे हो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो मनीषी बन के बैठ गए हो दार्शनिक बन के बैठ गए हो तुम्हें तो क्या दिखता है या तुम हमें तुम हमारा मार्गदर्शन करोगे हम तुम्हारे से पहले धरती पर आए हमने तुमसे ज्यादा दिवाली देखी है लोग ऐसे बोलते हैं तो ऐसा है विरोध तो होगा विरोध होना स्वाभाविक है लेकिन हाँ क्या करना चाहिए पहली बात तो ये होना चाहिए कि आप लीड बाय एग्जाम्पल लीड बाय एग्जाम्पल विरोध आपके कार्य का होना चाहिए आपके चरित्र का नहीं होना चाहिए पहली बात आप ये सुनिश्चित करें अगर कोई आपके कार्य की निंदा करता है तो ठीक है लेकिन आपका दुश्मन भी आपका विरोधी भी आपका प्रतिद्वंदी भी डंगे की चोट पर ऐसा कहे कि नहीं मैं इसके चरित्र के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा वो हमारा चरित्र होना चाहिए वो खड़ा रहना चाहिए वो खड़ा रहेगा शायद हो सकता है चरित्र के ऊपर भी प्रश्न होंगे और जब किसी को कोई प्रश्न नहीं मिलता जब किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो चरित्र पर प्रश्न उछालेगा लेकिन वक्त रहते थोड़ा वक्त रहते समय सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा न्यायाधीश है समय वो सब उजागर कर देता है सब खोल के रख देता है वक्त रहते वो भी खोल के सामने आ जाएगा तो हमें ये नहीं सोचना कि विरोध है हमें ये नहीं सोचना कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा हमें ये नहीं सोचना कि कोई क्या सोचेगा हमें ये नहीं सोचना कि इसमें तो ऐसा होगा वैसा होगा कहना आसान है सर ये कहना बहुत आसान है बहुत संघर्ष का पथ होता है बहुत पीड़ा होती है बहुत दिक्कतें आती हैं लेकिन मैंने कहा नहीं एक परम शक्ति होती है वो आपका संचारण करती होती है वो कहीं ना कहीं वो है मैं इसमें एक उदाहरण कहूँगा आपको मुझे याद है अचानक से मुझे लग रहा है कि मुझे कहना चाहिए एक राजा का दरबार था और राजा के दरबार में एक सन्यासी गया मैं बार बार सन्यासी की बात कहूँगा क्योंकि वो वही है हमारी भारतीय संस्कृति की देन है तो सन्यासी गया और सन्यासी ने कहा और मतलब गया राजा के दरबार में राजा बैठा था अपने जगह पे तो बातें हुई राजा ने कहा आप तो परम त्यागी हो आपने तो कितना त्याग किया वो सन्यासी हंसने लगा युवा सन्यासी तो हंसने लगा कुछ बात निकली उसने कहा राजा आप त्यागी हो मैं त्यागी नहीं हूं परम त्यागी तो आप हो आपका त्याग जबरदस्त जबरदस्त सबसे ज्यादा है मेरा त्याग कुछ नहीं है तो उस राजा को रुचि हुई राजा को लगा पूछना चाहिए कैसे आप ऐसे पहली बार बोला नहीं तो हम तो हम हमारे यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं तो हम उसको बोलते हैं आप परम त्यागी हो तो गुदगुदा गुदगुदी होती है उनको अच्छा लगता है उनको लगता है ये बढ़िया है ये तो ये तो आत्म प्रवंचना ही होगी एक तरह से तो ये बड़ा बड़ा लगता है वो अच्छे से खाते पीते ऐसे जो भी है वो करके चले जाते हैं खुश होते हैं वो एक ऐसा होता है कि मैंने आपकी पीठ को खुजाला आपने मेरी पीठ को खुजाला काफ़ी बार ऐसा ही होता है तो उसने बोला नहीं राजा मेरा त्याग जो है कुछ नहीं ये त्याग तो आपका है राजा राजन आपका त्याग है राजा ने पूछा ऐसा क्या है तो बोला राजा देखो मैंने है ना मैंने संपत्ति छोड़ी मैंने मैंने जो है पद का मोह छोड़ा मैंने पद त्याग किया मैंने संपत्ति का त्याग किया मैंने कुछ कार्य ऐसे पकड़े जो मैं कार्य कर रहा हूँ मैंने अच्छे वस्त्रों का त्याग किया अच्छी जो शैली है जीवन शैली उसका त्याग किया इधर उधर सो लेते हैं इधर उधर खाना खा लेते हैं जो मिला जो भिक्षा मिली वो कर लिया तो आपने तो भगवान को छोड़ा है आपका त्याग ज़्यादा बड़ा है आपके पास सब कुछ है आपके पास सेना है आपके पास साम्राज्य है आपके पास संपत्ति है क्या ईश्वर है आपके पास वो जो सन्यासी था वो देखो ये भी चलना चाहिए संसार भी चलना चाहिए लेकिन वो सन्यासी वो संदेशा देना चाहता था कि राजा तुम अपना मार्ग भूल रहे हो तुम अपना मार्ग भूल रहे हो ये सब होने के बाद बावजूद तुम ईश्वर को भूल रहे हो सब कुछ है ईश्वर नहीं है तुम्हारे पास ईश्वर को याद रखो ईश्वर यानी परम सत्ता को याद रखो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है उसको जगाओ तो शायद आप कर पाओगे तो हाँ सब कुछ पा लिया सब कुछ पा लिया आत्मविश्वास नहीं है तो क्या करना है हर इंसान को पता रहता है कि मैंने ये कैसे किया है आपने अलग अलग लोगों के नाम लिए कि ये ये लोग समर्थ उन सबको पता होता है कैसे किया कैसे हुआ हम सबको पता होता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया हम सबको पता तो कौन क्या सोचता है कौन क्या करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपना काम करो अपना चरित्र बनाए रखो बस आपका चरित्र जो है उसमें सब कुछ आ गया सादगी आ गई आपकी आवश्यकताएं आ गई आपके कुछ लुफोल्स हों तो परेशानी हो ना आपके कुछ लुफोल्स हो तो, तो कुछ दिक्कत हो बाकी तो क्या है ना आप अपनी तरह से जियो अपना काम किए जाओ विरोध होगा होने दो अपना काम करते रहो और वक्त रहते सब सब आगे आ जाएगा सब खुल जाएगा विरोध दिक्कतें बहुत होती है इससे पीड़ा हरिश्चंद्र को ही दिक्कत होती है ना विरोध तो होगा ही ठीक है होने दो लेकिन एक परम ऊर्जा है जो आपको ऊर्जा देती रहती है वो आपका संचरण करती रहती है वो करते रहो ये मेरा मानना है ऐसा मान ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान है करना बहुत समस्याएं आती हैं काफ़ी बार ऐसे मामलों में ऐसा हो सकता है कि, कि किसी व्यक्ति के विचार है लेकिन उसको परिवार का समर्थन नहीं होता Osionfish. किसी व्यक्ति के विचार ऐसे हैं लेकिन उसके बच्चों का समर्थन नहीं होता उसके दोस्तों का समर्थन नहीं होता उसके परिचितों का समर्थन नहीं होता आप अकेले हो जाते हो लेकिन आप अकेले हैं लेकिन अपने साथ हैं और आप भीड़ में हैं लेकिन अपने साथ नहीं हैं अगर इन दोनों का विकल्प अगर पसंद करना हो तो आप अकेले हैं लेकिन अपने साथ हैं मैं मानता हूँ ये ज़्यादा सही है आत्मसंतुष्टि इसके लिए ज़्यादा सही है मैं मानता हूँ वो ठीक है और मिलता है होता है है ना जिसका कन्विक्शन क्लियर है जिसकी सोच स्पष्ट है कि मुझे ये करना है उसको ये प्रश्न आते ही नहीं है वो सोचता ही नहीं है इसके बारे में वो सोचेगा ही नहीं वो होगा अपने आप ठीक है जो वो है वो करेगा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग और लोग तो कहेंगे मुझे करना है मेरा काम है ना जी बहुत सुंदर चरित्र तो मुख्य बात, है। चलित्र चलित्र बात, बात है। एक बुर प्रश्न है जी संघर्ष क्या जीवन का भाग है पर्वत पर चढ़ने की सीढ़ी है इसको युवा कैसे संघर्ष को समझना चाहिए घर्षण नहीं संघर्ष देखो संघर्ष में भी घर्ष आता है उसमें भी घर्ष आता है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट इज लाइक हम क्रिएट करते हैं मौका देख के कुछ लोग अभी अब हम बातचीत कर रहे हैं जैसे कि संघर्ष होना चाहिए तो कुछ लोग संघर्ष को पकड़ के आए कि चलो भाई ठीक है बाहर जाके किसी से संघर्ष कर लूँ वो घर्षण हो गया जो आप इनवाइट करते हो जो आप जानबूझकर इनवाइट करते हो वो घर्षण है वो नहीं करो उसमें ऊर्जा व्यय मत करो लेकिन संघर्ष एक और बात है वो आता है आपके बिना इन्विटेशन के भी वो आता है और संघर्ष के साथ ये भी जुड़ा होता है कि वो आपको कुछ सिखाने आता है संघर्ष का विरोध मत करो आया है परिस्थिति ऐसी आई जैसे कोई स्वजन बीमार हो गया पारिवारिक कोई समस्या खड़ी हो गई आपने नहीं बनाई वो आई है तो उसका स्वीकार करो उस चुनौती का स्वीकार करो उसमें से रास्ता निकालो उसमें से सीखो वो आएगा अब ये सीढ़ी भी हो सकती है ये सीढ़ी भी हो सकती है दूसरी बात एक बार वो समझ लीजिए कि संघर्ष कोई अब संघर्ष जो है वो क्या एक एक समयावधि की प्रक्रिया है कि हम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है संघर्ष ऐसा तो है नहीं कि संघर्ष एक ही दिन हुआ हमारे कई संघर्ष होते हैं कोई इंसान सभी तरह से कोई व्यक्ति सभी तरह से ठीक है लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर द्वंद्व चल रहा हो उसको वो खाए जा रहा हो जो मटेरियलिस्ट कंट्रीज़ हैं जो भौतिकवादी राष्ट्र हैं संपन्न राष्ट्र हैं उनको पता है कि उनकी आत्मा तो है नहीं जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है तब उसको पता चलता है कि अंदर तो खाली है ये भी तो होता है ये भी संघर्ष है ना ये भी संघर्ष है तो संघर्ष जो है उसके कई मायने होते हैं उसके कई परिमाण होते हैं कई आयाम होते हैं संघर्ष जो है वो हम किस तरह से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है लेकिन एक संघर्ष तो होता ही रहता है हमारा हमारे साथ और हमारी जो हम जो बनना चाहते थे या हम जो कर सकते हैं जब तक हम ना करें ना बन जाए हम क्या बनना चाहते थे यानी कोई पायलट बन गया कोई वकील बन गया मैं उस तरह से बात नहीं कर रहा जो नियति ने लिखा है हमारे लिए जो नियति है या फिर जो हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं जब तक वो ना करें तब तक संघर्ष तो भीतरी चलता ही रहेगा बाकी जो है चीज़ें वो है ठीक है संघर्ष मिला स्वीकार करो छोटे छोटे जो बाहरी चीज़ें वो तो बहुत आसान चीज़ें हैं वो स्वीकार करो वो सीढ़ी भी बन सकती है वो पर्वत पर जाने के लिए भी हो सकती है लेकिन कोई संघर्ष ऐसा नहीं होता कि किसी अवस्था पे आगे खत्म हो गया आज संघर्ष खत्म हो गया नहीं जीवन पर्यंत संघर्ष तो चलता रहता है संघर्ष चलता रहता है तो संघर्ष ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गया ऐसा नहीं ये चलता रहेगा ब्रेथ बाय ब्रेथ ये चलता रहता है आगे बढ़ने की सीढ़ी हाँ आगे बढ़ने की भीतर जाने की गहराई में जाने की ऊंचे जाने की आप जिस तरह से बोलो सीढ़ी है रस्सी है जो भी है मतलब ये है ये, शब्दों की मर्यादा आ जाती है इसमें पर यही है, है।, है। विश्व स्तर पर भारतीय युवाओं का आत्मविश्वास के बारे में आपका क्या अभिप्राय है मैं क्या अभिप्राय रखता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है जो युवा मुझे सुन रहे हैं उनका क्या अभिप्राय है वो महत्वपूर्ण है अगर मैं अभिप्राय रखता हूँ और मेरा अभिप्राय की वजह से युवा अपना अभिप्राय बदलें तो वो ठीक नहीं होगा वो अप्राकृतिक होगा हर युवा को ये सोचना चाहिए हर युवा को ये सोचना चाहिए हर नागरिक को ये सोचना चाहिए हर भारतीय को ये सोचना चाहिए कि मेरा क्या अभिप्राय है उसका क्या अभिप्राय है और विश्व विश्व बहुत छोटा है बहुत छोटा विश्व है जो मंदाकिनी है मिल्की वे वो मिल्की वे का एक कोने में आया हुआ सौर ग्रह हमारा सौर ग्रह के बहुत सारे जो है सौर मंडल जो है सौर मंडल में से पृथ्वी का ग्रह आया हुआ पृथ्वी के ग्रह में एक छोटे से कोने में हम बैठे हैं एक चक्रवर्ती सम्राट मर गया हर सम्राट मरता है ये तो है ही तो वो चक्रवर्ती सम्राट वो बार बार कहता था वो चक्रवर्ती है इसलिए मैं कह रहा हूँ तो वो चक्रवर्ती सम्राट मर गया हर सम्राट मरता है वो मर गया तब वो गया द्वारपाल द्वारपाल के पास भूमिका में उसने दरवाजा खटखटाया बहुत बड़ा दरवाजा था इंसान के गज से कहीं ऊँचा तो पहले तो कोई सुने ही नहीं फिर किसी ने सुना कोई द्वारपाल होगा हजार आंखों वाला उसने सुना दरवाजा खोला बोला पहचाना नहीं हम कौन है हम चक्रवर्ती सम्राट सम्राट हैं हम यहाँ से आए हैं हमारे स्वागत क्यों क्यों नहीं किया जा रहा बोला द्वारपाल ने बोला कहाँ से आ रहे हो कौन हो बोला हम चक्रवर्ती सम्राट हैं हमारा ये ये नाम है हम इस ग्रह से आते हैं कौन सा ग्रह पृथ्वी पृथ्वी ग्रह इसका पिन कोड क्या है पृथ्वी ग्रह का पिन कोड बताओ पता चले कहाँ पर है पृथ्वी ग्रह तो हमें पता चले तो हमें तुम्हें तुम्हारा खाता भाई देखें तुमने क्या कर्म किए उस हिसाब से तय करें ये बहुत बड़ा है मतलब ये ऐसा नहीं होता कि तुम आ गए बोला नहीं नहीं मैं पृथ्वी से आ तो पहचाना नहीं तो पहले तो उसका जो अहंकार वहीं टूट गया काफ़ी कि पृथ्वी एक ग्रह है इसके अलावा और भी ग्रह है दिस इज जस्ट एनेकडोट फिर पता चला देखा गया कि हाँ ठीक है द्वारपाल ले गया और द्वारपाल ले गया फिर एक पर्वत के पास ले गया बोला कि अभी तुम चक्रवर्ती हो इसलिए तुम्हारा नाम यहाँ पर लिखा जाएगा लेकिन एक नाम मिटाना पड़ेगा तो चक्रवर्ती सम्राट था तो वो भी सम्राट ना उसको भी प्रश्न हुआ अहंकार तो मिट मिटने लगा था गलने लगा तो उसको भी प्रश्न हुआ तो मेरा नाम मिटा रहे हो किसी का नाम मिटा रहे हो मेरा नाम लगा रहे हो यानी कल को मेरा नाम भी मिटाओगे उसने बोला ये तो ऐसा ही है ना देखो ये पर्वत है सबका नाम देखो लिखे हुए अब तुम्हारा नाम डालना है तो किसी का नाम मिटाना पड़ेगा तो फिर देखें कि क्या ये एक ही पर्वत है उसने बोला देखो ये श्रृंखला है पूरी पर्वतों की श्रृंखला थी जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे ये दुनिया के कथा कथित चक्रवर्ती सम्राट बड़े बड़े आए देखो सबका नाम लिखा हो अगर तुम्हें अपना नाम डालना है जगह भरी पड़ी है तो किसी का नाम हटाना पड़ेगा हटा देते हैं चक्रवर्ती सम्राट जो है उसका कहते हैं कि सपना यहाँ पर टूट गया और उसको पता चला कि क्या है तो दुनिया बहुत छोटी है दुनिया बहुत छोटी है विश्व क्या सोचता है ये भी छोड़ दो विश्व यानी क्या ये सात बिलियन लोग सात अरब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमें नहीं सोचना चाहिए हम अपने बारे में क्या सोचते हैं हमें सोचना चाहिए कोई दूसरा देश दूसरा राष्ट्र हमें कैसे व्याख्यात करेगा या किसी सभा में हमारे बारे में चर्चा होती है वो हमें छोड़ देना चाहिए हमें अपने बारे में क्या सोचना है वो हमें पहचान बनानी चाहिए हाँ लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं वर्ल्ड की या वर्ल्ड के जो बेस्ट जो चीज़ें हैं वो हमें उसको अपनाना होगा उसको देखना होगा उसको उसका अतिक्रमण करना होगा टू वी हैव टू बेटर वी हैव टू डू बेटर देन द बेस्ट तो उनको देखना पड़ेगा हमें वो आंख मूंद कर गिने हम ही श्रेष्ठ हैं उसका गान नहीं करना नहीं तो आप देखो हमारे यहाँ पे हर गली नुक्कड़ पे लोग श्रेष्ठता की बातें करते हैं दुहाई देते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं श्रेष्ठ है होता कुछ नहीं है गली नुक्कड़ पे कचरा भी होता है वहाँ पर कचरा भी कूड़ा करकट भी पड़ा होता है गंदगी होती है बड़ी बड़ी बातें होती इश्तहार भी गंदे इश्तहार लगे होते हैं कोई स्वच्छता पब्लिक रूप से जो है सार्वजनिक रूप से नहीं होती लेकिन बातें हमारी बड़ी बड़ी होती हैं वो नहीं वो व्यवहार में आना चाहिए हमें बोलना नहीं है हमें व्यवहार करके दिखाना है अगर मैं कह सकता हूँ तो मैं इतना कहूँगा हमें बोलना नहीं है हम क्यों बोले हम बोलते हैं कि हम हम ये है हम वो है हम सोए हुए शेर हैं सोए हुआ शेर थोड़ी कहता है कि मैं सोया हुआ शेर हूँ शेर है वी आर लेकिन वो हमें व्यवहार से करना है बातें नहीं काम कार्य बातें नहीं प्रकल्प बातें नहीं परिणाम वो जो हमें करना है ना वो है एक राष्ट्र के रूप में हमें ये करना चाहिए एक व्यक्ति हर व्यक्ति हमें ये सोचे कि उस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा हो कि जिसकी वजह से पता चले आपने सुना होगा कि एक राजा जो है उसको बेटा हुआ तो राजा ने तय किया बेटा हुआ है मैं पूरे समूचे जो मेरे नगर को खीर खिलाना चाहूँगा दूध की खीर तो राजा के वजीर ने कहा कि खीर खिलाना खी चाहेंगे महाराज तो आप तो खीर वगैरह सब कर रहे हैं लेकिन एक काम किया जाए कि लोगों का भी कंट्रीब्यूशन लिया जाए तो अब लोगों का कंट्रीब्यूशन किया जाए तो ऐसा काम करते हैं लोग आके खुले में दूध डाले वो ठीक नहीं लगता रात को एक बड़ा रख देते बर्तन उसमें लोग आके अपनी अपनी तरह से डालें एक एक ग्लास किसी को लोटा डालना हो किसी को गागर डालना हो दूध आके दे जाए डाल जाए रात में हमें किसी का रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन नहीं करना ठीक है तो ये तय इसका आयोजन किया गया इसकी व्यवस्था की गई पूरी रात वो बर्तन पड़ा रहा सुबह देखा पानी ही था हर व्यक्ति ने ये सोचा कि मेरे अकेले के पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ता है तो वो हमें सोचना है ना हर नागरिक को ये सोचना है कि हर 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 व्यक्ति को ये सोचना है हर भारतीय को सोचना पड़ेगा कि नहीं मुझे काम करना है मेरा करना है पड़ोसी क्या करता है वो हमें नहीं सोचना बाकी वाला क्या करता है और क्या करते हैं वो हमें नहीं सोचना स्वामी विवेकानंद की किताब रेमिनसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद उसमें एक अच्छा उदाहरण है एक साधु था नदी किनारे गया नहा रहा था एक बिच्छू ने उसको काटा काटा बिच्छू ने उसको काटा साधु ने उसको दूर कर दिया दूसरे दिन वो वापस गए नहाने वापस वो बिच्छू ने काटा आप उसने दूर कर लिया एक दूसरा कोई था पड़ोसी वो रोज़ देखता था कि ये क्या कर रहे हो आप रोज़ आपको बिच्छू काट रहा है आपको ही काट रहा है और आप उसको फिर छोड़ के जा, जाने देते हो ये क्या है नहीं आप इसको मार दो बोले काटना बिच्छू का कर्म है ये उसकी प्रकृति है बचाना है मेरी प्रकृति है मैं उसको मार नहीं सकता तो बिच्छू काटते हैं ठीक है ना हमें उस तरह से उस अवस्था से सोचना चाहिए हमें अपना काम करना है और क्या है वो नहीं है। हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि मैं अपना काम करूँ अभी क्या होता है घर कहते हैं कि नहीं पहले इसको जाओ वो वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि भाई तुम साइन करते हो या नहीं तो वो कहता है कि जाओ पहले इसको पकड़ के ले आओ जिसने यहाँ पे ये लिखा जाओ ये करके आओ जिसने ये किया जाओ ये करके आओ इसने ये किया हम दूसरों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ भाई मैं ये करूँगा लेकिन जाओ पहले ये करके आओ जाओ पहले ये करके आओ पहले उसकी बात करो अपनी बात कोई नहीं करता तो हमें एक भारतीय के रूप में सोचना चाहिए सबसे पहले भारतीय वो उसके रूप में सोचना चाहिए मेरा क्या अभिप्राय उसका कोई मायने नहीं रखता मैं कौन हूँ हर व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए वो अंदर से आवाज़ आनी चाहिए मेरा तो अभिप्राय मेरे देश के बारे में है लेकिन उनका अभिप्राय होना चाहिए ये मेरा मानना है बहुत ही सुंदर सर बहुत सारे प्रश्न हैं पर समय की पाबंदी है हमारे पास इसलिए इस कार्यक्रम को हम आज यही समाप्त करने जा रहे हैं युवाओं के भी बहुत सारे प्रश्न हैं और इसलिए हमने सोचा है कि एक प्रश्नोत्तरी का ही कार्यक्रम हम साहब के साथ करें तो जिन लोगों के मन में कुछ भी प्रश्न हो वो हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या मेल में भी भेज सकते हैं तो एक बाद में हम आदरणीय मेघानी साहब को बुला के वो हम कार्यक्रम करेंगे हम बहुत ही भाग्यशाली है और हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि आज के इस महान दिवस स्वतंत्र दिवस के ऊपर भारती के लिए जिन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग किया है और जो हमेशा दूसरों को प्रेरणा देने के लिए दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए दूसरों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता देने के लिए तत्पर है ऐसे एक अधिकारी आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर इसका हमें विशेष गर्व है आनंद है खुशी है और आदरणीय दीपक बेघानी साहब ने कहा ही है कि जब भी कोई भी कार्यक्रम हो आप मुझे बुलाइए मैं सदा तत्पर रहूंगा आपके साथ कोई भी कार्य में शामिल होने के लिए और हम जब भी हमें किसी भी प्रकार की जरूरत होती है कुछ भी कार्य करना है तो आदरणीय साहब को बोलते हैं वो सदा हमारे साथ रहते ही है जैसे हमने कोरोना काल में कुछ राहत कार्य किया था तो आदरणीय दीपक मेघानी साहब और उनकी पुलिस टीम ने बहुत ही सुंदर हमें सहायता की और उनकी वजह से ही बहुत सुचारू रूप से हमारा सेवा कर संपन्न हुआ है तो हम आज बहुत ही आभारी है उनके और गर्व अनुभव कर रहे हैं कि आज का हमारे दिन हम भारतवासियों के साथ एक विशेष रूप से मनाने जा रहे हैं मैं उनको बधाई भी देता हूँ आज के इस दिन की और शुभेच्छा भी देता हूँ कि आगे भी वो अनेक लोगों को अनेक बच्चों को युवाओं को प्रेरणा देते रहे उनका मार्गदर्शन करते रहे आज इस कार्यक्रम में वो पधारे हैं तो हम अपनी तरफ से रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल की तरफ से एक छोटी सी भेंट उनको देना चाहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ विकनेस इज एक सुंदर किताब भी है जी स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति द्वारा भारत नव नवजागरण बहुत सुंदर किताब है यह भी हम आज हमारी तरफ से साहब को भेद कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सौभाग्य मेरा है आपको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए भाग्यशाली मैं हूँ और ये बहुत बड़ा प्रकल्प है बस ये चलता रहे बस ऐसे ही इसलिए हम प्रयत्न करते रहेंगे जी श्री दीपक मेघानी साहब ने असुंदर अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए जो विषय था सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड यूथ ऑफ इंडिया उन विषय पर विस्तार से और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचार उसमें प्रस्तुत किए सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है किसे प्राप्त होता है किसे बढ़ाया जाए क्या क्या पहलू है उनके युद्ध क्या है युद्ध कैसे होते हैं युद्ध की सोच कैसी होती है युद्ध कैसे होने चाहिए ऐसी सुंदर सुंदर बातें आज हमें सुनने को मिली मुझे विश्वास है कि जो युवा जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको आज के इस कार्यक्रम से जरूर लाभ प्राप्त होंगे जो विचार आदरणीय मेघाणी साहब ने यहाँ प्रस्तुत किए उनको वह अपने जीवन में उतार कर कार्य रूप में परिणत करके अपने जीवन को सफल बनाने में अपने आप को महान बनाने में और अपने देश को महान बनाने में वो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे आदरणीय मेघानी साहब के हम बहुत ही आभारी है क्योंकि इतनी व्यस्तता के बीच में भी उन्होंने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे युवाओं को मार्गदर्शन दिया मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वड़ोदरा की ओर से उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं और आशा करते हैं कि आगे भी उनका साथ और सहकार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा हम आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे उनमें वो आते रहेंगे जैसा अभी मैंने पहले कहा क्वेश्चन आंसर सेशन में कि हम एक क्वेश्चन आंसर का ही प्रश्नोत्तरी का एक कार्यक्रम रखेंगे तो यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर हमको भेजिए हम एक विशेष प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखेंगे जिसके बारे में हम बात में बाद में बताएंगे तो आज की शुभ पर्व की स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आदरणीय मेघवानी साहब को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अनेक अनेक शुभेच्छाएँ देते हुए हम इस कार्यक्रम को शहर्ष यहाँ पर पूर्ण करते हैं आगे भी आपसे निवेदन है कि आप हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हो और अन्य लोगों को भी ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें हरिओम तत्सत